यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर टू, जो हमारा पेपर नंबर टू है कॉमर्स का, उसकी जो यूनिट है यूनिट नंबर एट, बोले तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट के हम MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 252, बोले तो 252 MCQs जो है मैंने इसके अंदर डाले हैं, और पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस जो है मार्केटिंग का, चाहे वो मैं कॉमर्स की बात कर लूँ, चाहे मैं मैनेजमेंट की भी मेजोरिटी टॉपिक जो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो अगर आप कॉमर्स से हैं या आप मैनेजमेंट से हैं, तो आपके लिए ये जो है वो रेलिवेंट क्लास है। पूरी की पूरी आपकी जो मार्केटिंग है वो आपकी इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर जो अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर टोटल मिला के 10 टॉपिक्स जो है उन्होंने डाले थे। तो 10 टॉपिक के हम लोगों ने जो है वो 10 चैप्टर बना दिए थे। तो ये 10 चैप्टर थे अपनी बुक के अंदर, तो लगभग ये 132 पेज की अपनी बुक थी। तो इसके अंदर हमने जो है पहले तो मार्केटिंग क्या है, ठीक है, उसके सारा पूरा सिनेरियो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, वो सारा हमने डाला था। फिर था प्रोडक्ट, फिर है प्राइस, फिर है प्रमोशन, और फिर है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक टॉपिक था अपना कंज्यूमर बिहेवियर का, एक था अपना सर्विस मार्केटिंग था, और एक था अपना ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, और एक है कौन सा लॉजिस्टिक। तो टोटल मिला के जो एंटायर सिलेबस था मार्केटिंग का, था उसको हम लोगों ने जो है वो 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। और आज की क्लास में हम इन 9 चैप्टर्स के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे सिलेबस को हम पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो है 252 क्वेश्चन बैठे हैं, वो 252 क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपका एंटायर सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है। इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्लस में जो मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक को मैंने इसके अंदर कवर किया है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैंने यहां पे छोड़ दिया, चाहे वो सर्विस मार्केटिंग का टॉपिक है, चाहे लॉजिस्टिक है, चाहे रीसेंट ट्रेंड्स का टॉपिक है, चाहे वो प्रमोशन है, प्राइस है, प्लेस है, कुछ भी है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर जो है वो डाले हुए हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले 2 बार ये क्लास आप लगा के जरूर जाइएगा, पूरा मार्केटिंग आपका जो है वो समअप हो जाएगा। और मैं ये शोर देता हूं, अगर आप ये क्वेश्चन लगा के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके मार्केटिंग के कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपके सारे मार्केटिंग के क्वेश्चन इनमें से ही उठ के आएंगे, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन पूरे मार्केटिंग के जो क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर हैं या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट सारे इनमें से ही होंगे। ओके, हाँ जी सर, तो बहुत ही रेलिवेंट है, एंटायर मार्केटिंग को इसमें कवर किया हुआ है। हालांकि मार्केटिंग के अपने यहां पे ना कई बार क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी आता है, तो उसकी मैं सेपरेट क्लास बना के डालूंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये 252 क्वेश्चन की क्लास लगाइए और ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका समअप हो जाएगा। रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड है और अपनी एप्लीकेशन पर डाली हुई है मैंने, तो रिवीजन वीडियो लगाओ और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाओ, पूरा सिलेबस जो है वो आपका समअप हो जाएगा। ओके, हाँ जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जून 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आप घर पे बैठे बैठे जो है वो UGC नेट की तैयारी जो है वो कर सकते हैं, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स से तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारा जो है कोर्स ले सकता है, और अगर कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट से कोर्स 17 से अगर तैयारी कर रहा है तो वो भी हमारा जो है वो कोर्स को बाय कर सकते हैं। हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। अगर आप हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इधर उधर कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे आपको पेपर 1 प्लस में पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमारी मार्केटिंग की बुक है, इस तरीके से पेपर 1 की और पेपर 2 दोनों की कलर्ड बुक्स आपके होम एड्रेस के ऊपर आएंगी। 20 किताबें हैं, 20 यूनिट्स हैं, तो 20 किताबें आपके घर पे आएंगी। प्लस में मिलेगा सारे के सारे वीडियो लेक्चर डेमो के तौर पे, अगर आप देखना चाहें तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे डाले हुए हैं, ठीक है, वही सेम मिलेगा। जो बुक्स के अंदर हम कंटेंट दिखाते हैं वही सेम कंटेंट आपको जो है वीडियो लेक्चर में मिलेगा, तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ नोटिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस में मिलेगा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और प्लस में मिलेगा आपको रिविजन करने के लिए रिविजन की वीडियो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, और एक स्पेशल बात और, एग्जाम की डेट जो है अनाउंस हो गई है, जैसे आपने देखा भी होगा मैंने उसका सेपरेट वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर बना के डाला था। तो एग्जाम की डेट आ गई है और 20 नवंबर से जो है आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि सर अभी कोई एम नहीं है हमारे पास में, सर पता नहीं है कि पेपर कब होगा, तो अभी NT ने जो है वो फेस्टिवल सीजन के बाद में जो है एक नया फेस्टिवल आपके लिए जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये मानो सभी स्टूडेंट्स की 20 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब मैं देख रहा हूं कमेंट आ रहे हैं कि सर मैनेजमेंट का कब होगा, सर कॉमर्स का कब होगा, सर इंग्लिश का कब होगा, सर लिटरेचर का कब होगा, हिंदी का कब होगा। अरे भाई, जब होगा वो आ जाएगा, आप ये मान के
चलो कि स्टार्टिंग कब से हो रही है, 20 नवंबर से, और आप ये मानो कि 20 नवंबर को ही आपका एग्जाम है, तो बेफालतू में इरेलीवेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो फोकस ना करें और अपना ध्यान जो है वो वहां पे ना भटकाएं, ठीक है। तो आप कंप्लीटली फोकस रहें अपने सिलेबस के ऊपर और इसको बढ़िया तरीके से करें, प्लस में रिविजन करें और प्लस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करें, ओके। हाँ जी, और एक स्पेशल काम और करना आपको, वो क्या सर, वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और तैयारी आपकी और भी बेटर, ओके जी सर। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन का। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है क्या, वो है ए मार्केटियर नीड टू बी अवेयर। बोलता है मार्केटियर, मार्केटियर कौन होता है पहले ये बताओ सर। मार्केटियर होता है मार्केटिंग करने वाला, ओके। तो बोलता है मार्केटियर के लिए जरूरी है कि वो अवेयर हो ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन प्रोसीजर कैन बी असेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है इवेल्युएट करने का रिजल्टिंग मार्केट सेगमेंट। मतलब आपने पूरी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट के सेगमेंट में जो है वो क्या किया, आपने पूरी मार्केट को जो है वो क्या कर दिया, उनका सेगमेंटिंग कर दिया, ठीक है, उनके अलग अलग सेगमेंट बना दिए, ठीक है। तो बोलता है वो इनमें से किस क्राइटेरिया के बेस पर सेगमेंटेशन नहीं होता। तो साइज के बेस पर सेगमेंटेशन होता है, मेजरबिलिटी के बेस पर होता है, असेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन पेरिशेबिलिटी ये जो है वो सेगमेंट बनाने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है जी, ए पेरिशेबिलिटी, क्योंकि पेरिशेबिलिटी के बेस पर हम जो है वो सेगमेंटेशन नहीं करते, मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सेकंड क्वेश्चन है, बोलते हैं टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग जो है वो किसका पार्ट है। देखो टेली मार्केटिंग के अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने टेलीकॉलर्स को बोलती है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली जो है वो अपने कस्टमर को क्या करें, कॉल करें, ठीक है। तो टेली मार्केटिंग करते हैं बेसिकली कंपनी डायरेक्टली खुद करवाती है, उसको बोलते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग। तो सेकंड का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, विच द फॉलोइंग रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सर्च टेक्निक। इनमें से कौन सी एप्लीकेशन को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, सर्च टेक्निक टू गेन इनसाइट। इनसाइट का मतलब क्या होता है, ज्ञान। क्या ज्ञान, किसके बारे में लेना है, इनटू द कस्टमर बाइंग पैटर्न, कि कस्टमर का जो बाइंग पैटर्न है उसके बारे में आपको अगर कोई क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए आप किन टेक्निक्स को जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसके लिए किस टेक्निक को यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है वो बेसिकली एक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो अगर अपने को जो है वो इनसाइट चाहिए, बोलते ज्ञान चाहिए, किसके बारे में, कस्टमर के बाइंग पैटर्न के बारे में, तो हम लोग जो है वो यूज करते हैं किसको, डेटा माइनिंग को। तो डेटा माइनिंग जो है वो आ रहा है किसके अंदर, फोर्थ में। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ। आगे अगला क्वेश्चन बोलता है आपको, देखिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज और इंटरनेशनल कंपटीशन दे रखा है, तो इनको आपस में जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा किसका, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के अंदर एक ऐसी फेज है जिसके अंदर फ्यू कंपटीटर होते हैं होम में, तो ए का तो हो गया क्या, थर्ड। फिर ग्रोथ के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, अगर हम बात करें तो ग्रोथ के अंदर जो है वो क्या होता है, कंपटीटर जो है अदर हाई इनकम कंट्री के, वो अपना प्रोडक्शन करना शुरू करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। तो बी का हो जाएगा फोर। मैच्योरिटी के अंदर जो है वो क्या होगा, मैच्योरिटी में कंपनी फ्रॉम अदर हाई इनकम कंट्री इंक्रीज करेंगे एक्सपोर्ट टू द इनोवेटिंग कंट्री, तो मैच्योरिटी ये। और डिक्लाइनिंग के अंदर जो है वो क्या होगा, अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कहां पे, डेवलपिंग कंट्री में, और यहीं पे हम बोलते हैं ना कि एक्सपोर्टर बिकम्स अ इंपोर्टर, तो डिक्लाइनिंग की ये सेकंड स्टेज है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी, वो बनेगा आपका फोर्थ का फर्स्ट, बोल दो 3, 4, 1, 2। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोलता है, सीक्वेंस द स्टेप ऑफ सीआरएम प्रोसेस, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसके स्टेप जो है वो आपको यहाँ पे बेसिकली जो है वो बताने हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कलेक्ट करते हैं कस्टमर का डेटा, बोले तो बी। कस्टमर का डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग उसको जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, बोल तो सी। फिर उसके बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे टारगेट कस्टमर को, बोले तो डी। उसके बाद में हम लोग जो है डेवलप करते हैं सीआरएम का प्रोग्राम, बोल तो ए। और लास्ट में हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बोले तो ई। तो आंसर जो बनेगा बी सी डी ए ई, बोले तो सेकंड। तो सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसका ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है चैनल कन्फ्लिक्ट कैन बी, चैनल कन्फ्लिक्ट जो है वो कैसा कैसा होता है। तो चैनल कन्फ्लिक्ट जो है वो होता है आपका वर्टिकल या फिर होता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल, ए और बी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, थर्ड, बोल दो ए और बी। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है ना अपना, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर हम लोग देखते हैं कि चैनल कन्फ्लिक्ट कैसे कैसे है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब हम देखते हैं भाई, सामान मान लीजिए अगर हमने मतलब किन चैनल्स के थ्रू हम लोग आगे प्रोवाइड करते हैं, तो उन चैनल्स में अगर कई बार क्या होता है, आपस में कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो वो कन्फ्यूजन या तो सेम लेवल के लोगों में होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, या अलग अलग लेवल के लोगों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल। तो 6 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड, ए एंड बी। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ स्टडी, इनमें से किस तरह की स्टडी वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट है टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर द चेंज ओपिनियन ऑफ द कस्टमर रिपीटेडली। एक कंज्यूमर है मान लो, ठीक है, तो वक्त के हिसाब से मान लो 2018 के अंदर उसकी जो ओपिनियन है वो क्या था, 2019 के अंदर ओपिनियन क्या हुआ, 2020 में ओपिनियन क्या हुआ, 2021 में ओपिनियन उसका क्या है। तो अगर आपने उस कंज्यूमर की ये स्टडी करनी है, टाइम के हिसाब से जो स्टडी करनी है, तो किसको आप लेके चलते हो, तो इसके लिए हम लोग जो है वो करते हैं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो सेवंथ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो इसमें हम टाइम ओरिजन के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि वक्त के हिसाब से जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस में जो चेंज हुआ है, तो उसको नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को। अब आएगा सेवंथ के बाद में एट्थ, बोलता है विच टाइप ऑफ रिटेलर, किस तरह का जो रिटेलर इन्वॉल्व है इन कंपैरेटिवली लो प्राइस एज ए मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ऐसा कौन सा रिटेलर होता है जो बिल्कुल ही क्या करता है, लो प्राइस पे सामान को बेचता है, ठीक है, और उसका जो डूइंग बिजनेस की जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, रिड्यूस। तो ये होते हैं जी आपके कौन, डिस्काउंट रिटेलर। ये डिस्काउंट रिटेलर वो होते हैं जो कम अमाउंट के अंदर जो है वो सामान को क्या करते हैं, सेल करते हैं, और ये ज्यादा स्टॉक भी अपने पास में इतना मेंटेन नहीं करते, ज्यादा अपने पास में जो है वो लोगों को मेंटेन नहीं करते हैं, तो इससे इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। तो आंसर जो आएगा एट्थ का वो क्या आएगा, सेकेंड। आगे नाइन्थ, बोलता है विच ऑफ दीज आर रेडली एक्सेप्टेड, इनमें से कौन सा रेडली एक्सेप्टेड डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक है किसका, सर्विस का, डेट क्रिएट यूनिक स्ट्रेटजिक चैलेंज। तो सर्विस के करेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, सर्विस जो है वो कैसी होती है, पेरिशेबल नेचर की होती है, सर्विस इनसेपरेबल होती है, इसका मतलब दोनों लोग एक साथ, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस रिसीवर एक साथ पे होने चाहिए, और सर्विस इनटेंजिबल नेचर की होती है। तो सर्विस में ये तीन होते हैं, बी सी एंड डी, इनफ्लेक्सिबिलिटी और इनस्क्रूटेबिलिटी, ये इसका फीचर नहीं है। तो बोलता है बी सी और डी, आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। चलो जी नाइन्थ के बाद टेंथ, बोलता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर आपको जो है इन स्टेप को क्या करना है, अरेंज करना है। ये मार्केटिंग प्रोसेस की, मार्केटिंग के अंदर जो है मतलब आप क्या क्या करते हो, तो ये आपको स्टेप दे रखे हैं पांच, इनको आपको जो है वो क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मार्केटिंग जब हम शुरुआत करते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट प्लेस को, और कस्टमर की जो नीड एंड वॉन्ट है उसको हम सबसे पहले जो है डिसाइड करते हैं। तो आएगा क्या, सी। जब हमने मार्केट प्लेस को अंडरस्टैंड कर लिया, मतलब मार्केट का एनालिसिस कर लिया, कस्टमर का एनालिसिस कर लिया, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की वॉन्ट क्या है, देन उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हम एक कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी को जो है वो क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, बोले तो ई। जब आपने स्ट्रेटजी बना ली, स्ट्रेटजी बनाने के बाद अब आप क्या करोगे, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम बनाओगे जो सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करेगा, बोले तो ए। ये करने के बाद अब आप जो है वो क्या करेंगे, एंगेज करेंगे कस्टमर्स को, उनके साथ में प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाएंगे और क्रिएट करेंगे कस्टमर डिलाइटनेस, बोले तो डी। और एट द एंड में आप जो है वो क्या करने वाले हैं, आप कैप्चर करेंगे वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर टू क्रिएट द प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी, बोले तो बी। तो आपका ये सीक्वेंस जो बना वो क्या, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी, बोले तो फोर्थ ऑप्शन। चलो जी आगे, अगला आया, बोलता है आफ्टर द कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, जब आप नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो जब आप कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, आपने टेस्ट कर लिया, तो फर्म वुड एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, तो फर्म कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद किस स्टेज के अंदर जो है वो एंटर होती है। जब आपने टेस्ट कर लिया, आपको लग रहा है कि सामान मार्केट में सेल हो जाएगा, तो अब आप लोग जो है वो क्या करते हो, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का काम करते हो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, बोले तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। आगे जी अगला क्वेश्चन, बोलता है इन पेनेट्रेशन प्राइसिंग, पेनेट्रेशन प्राइसिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, देखो जब नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसके जो प्राइसिंग है वो जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है स्कीमिंग, एक होता है पेनेट्रेशन। स्कीमिंग के अंदर हम लोग जो है वो हाई प्राइस चार्ज करते हैं, और पेनेट्रेशन के अंदर क्या करते हैं, लो प्राइस। तो बोलता है इन पेनेट्रेशन प्राइसिंग बिजनेस फर्म सीक टू असेस डीपर मार्केट पेनेट्रेशन बाय कीपिंग द प्राइसेस लो। तो आंसर जो आएगा ट्वेल्थ का वो क्या आएगा, थर्ड। आगे ट्वेल्थ के बाद थर्टीन, बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, किस स्टेज पीएलसी के, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी पीएलसी के किस स्टेज पे कंपनी रिड्यूस करती है सेल्स प्रमोशन को एडवांटेज लेने के लिए हैवी कंज्यूमर डिमांड। तो वो होता है किसमें, ग्रोथ। तो सबसे ज्यादा जो कंज्यूमर डिमांड होती है वो कहां होती है, ग्रोथ के टाइम पे। तो थर्टीन का आएगा टू। आगे 14th, बोलते हैं दिस स्ट्रेटजी ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, ये जो फ्लैंकिंग डिफेंस की स्ट्रेटजी, प्रीएम्प्टिव डिफेंस की स्ट्रेटजी, मोबाइल डिफेंस की स्ट्रेटजी, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस की स्ट्रेटजी, एनकाउंटर ऑफेंसिव डिफेंस की स्ट्रेटजी, इसको मार्केट प्लेयर जो है वो इस्तेमाल करता है। कौन सा मार्केट प्लेयर यूज करता है, देखो ये डिफेंस की स्ट्रेटजी जो भी है ना, ये सारे के सारे इस्तेमाल जो है वो करता है जी कौन, आपका मालूम,
कौन करता है? वो करता है आपका मार्केट का लीडर। मार्केट लीडर जो है वो अपनी पोजीशन को, बेसिकली अपनी पोजीशन को क्या करने के लिए? सेव करने के लिए, ताकि उसकी पोजीशन इंटैक्ट रहे, उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए। तो अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए वो इन सब डिफेंसिव टेक्निक को जो है वो क्या करता है? इस्तेमाल करता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेकेंड। आगे जी बोलता मार्केटिंग के अंदर डीएसए क्या होता है? डीएसए बोलते हो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। 15 का आएगा थर्ड, 15 के बाद 16 जो है वो क्या बोलता है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू के बारे में जो है आपको, कस्टमर वैल्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिलीवर द कस्टमर वैल्यू मतलब कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना, ये बेसिक आइडिया होता है मार्केटिंग का। क्योंकि मार्केटिंग की छोटी सी जो डेफिनेशन है वो वैल्यू डिलीवरी कॉन्सेप्ट ही तो है मार्केटिंग, ओके, जिसके अंदर हम लोग जो है वो कस्टमर को क्या करते हैं? वैल्यू डिलीवर करने का काम करते हैं। तो बोलता है ये डिलीवरिंग कस्टमर वैल्यू के रिस्पेक्ट में कुछ बातें बोली गई है, इनमें से बताना कौन कौन सी बात जो है वो क्या है जी आपकी सही है। तो सबसे पहला है कंपनी कैन गो अलोन। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने में कंपनी अकेले मतलब कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करती है? नहीं, सारे लोग मिलकर के करते हैं। तो पहला तो आपको क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इसके बाद बोलता है कंपनी मस्ट वर्क विद इन ए ब्रॉडर नेटवर्क। कंपनी काम करती है ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ पार्टनर में अकॉम्प्लिश द कस्टमर वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इंडिविजुअल कंपनी एंड द ब्रांड कंपीट देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डोंट। ऐसा होता है क्या सर? ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअल कंपनी या ब्रांड कंपीट नहीं करते, पूरा एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जो है वो कंपीट करता है। तो सी आपका रॉन्ग हो गया। डी इंडिविजुअल कंपनी एंड ब्रांड डोंट कंपीट देयर एंटायर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क डू। ये बिल्कुल सही है। फिर बोलता है वैल्यू जो है वो क्या होती है? कंट्रीब्यूशन अपॉन कॉस्ट, ऑफर हायर कंट्रीब्यूशन थ्रू प्रोडक्ट और सर्विस टू क्लाइंट एंड लोअर द कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जो है वो क्या करेंगे, अच्छा सामान देंगे तो उससे कस्टमर को हायर वैल्यू रिसीव होगी, और कॉस्ट अगर कम लेंगे तो भी आपको वैल्यू जो है वो क्या होती है उससे बढ़ती है। तो ई जो है वो भी क्या है? सही है। तो 16 का जो आंसर बैठेगा डेट इज द फोर्थ, बोलो तो बी डी एंड ई। ये तीनों बातें जो है वो वैल्यू डिलीवरी जो प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग सही है। आगे बोलता है सम डॉक्टर चार्ज पेशेंट। कुछ डॉक्टर जो है वो पेशेंट से चार्ज करें फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट बिकॉज द सर्विस वैल्यू एग्जिस्ट ओनली एट दैट पॉइंट एंड डिसअपीयर्ड व्हेन द क्लाइंट डिड नॉट शो अप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द सर्विस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये किसका फीचर है? ये देखो, जैसे कि आपने अपॉइंटमेंट बुक किया डॉक्टर के साथ, और आपको चार डॉक्टर ने बोला 4 से 4:30 का आपके लिए मैं टाइम स्पेयर कर रहा हूँ, इसमें आना, और आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर बोला भाई मैंने तो अपना टाइम स्पेयर किया ना आपके लिए, तो मैं तो आपसे मान लीजिए 1000 रुपीज जो है वो ओपीडी का मैं तो आपसे चार्ज करूंगा। ये क्यों है? ये किस कैरेक्टरिस्टिक का सर्विस? क्योंकि डॉक्टर तो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विस का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है? वो है आपका पेरिशेबिलिटी। क्योंकि ये वक्त अगर खत्म हो गया तो सर्विस जो है वो क्या इनमें फीचर होता है? किसका? पेरिशेबिलिटी का। वो पेरिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। ये इनमें से बताना है कौन सी जो है वो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो नहीं है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो इंडिया की जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है वो नहीं है। इसके अपने अलग अलग जो है वो आउटलेट्स ने ओपन किए हुए हैं। तो आंसर आएगा 4, बहुत सारे सामान बनाती है ये। आगे प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ सेटिंग ए हाई प्राइस व्हेन ए प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। हाई प्राइस चार्ज करना जब एक सामान को आपने इंट्रोड्यूस किया, एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे करके उसको जो है वो क्या करना? लो करना। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्कीमिंग। तो 19th का आएगा 1, 19th के बाद 20। बोलता है मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल, मार्केट किसकी? ऑटोमोबाइल की। नीड टू बी सेगमेंट, उसको सेगमेंट करेंगे किसके बेसिस पर? तो ऑटोमोबाइल की मार्केट को हम लोग जो है वो सेगमेंट करते हैं किसके बेस पर? हम करते हैं बिहेवियर के बेस पर भी, बायर के बिहेवियर के बेस पर भी, साइकोग्राफी के बेस पर भी करते हैं, ज्योग्राफी के बेस पर भी करते हैं, और डेमोग्राफी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 4। बोलते ए बी सी डी, इन चारों बेसिस पर हम लोग जो है वो मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। आगे आपको मैचिंग करना है कुछ आइडिया से, और आपको बताना है किस ऑथर ने कौन सा आइडिया दिया। तो बिल बिशप ने जो है वो आइडिया दिया था किसका? स्ट्रेटजिक मार्केटिंग फॉर द डिजिटल एज का। ओके, डी बर्ड ने जो है वो आइडिया दिया था जी किसका? इन्होंने दिया था कॉमन सेंस डायरेक्ट मार्केटिंग का। डैनियल एस जोरल ने जो है वो आइडिया दिया था जी किसका? ऑनलाइन मार्केटिंग का। और जो ये जेफरी एफ रिपोर्ट है, इन्होंने जो है वो आइडिया दिया था किसका? मैनेजिंग इन द मार्केट स्पेस का। तो ये तो भाई थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है, ठीक है, फैक्ट्स हैं तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। तो आंसर जो है 21 का वो है फर्स्ट। रिपीट ना हो जाए थोड़ा देख लेना। आगे बोलता है अरेंज करें फॉलोइंग स्टेप ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मार्केटिंग प्रोसेस का ये आपको दे रखा है, ठीक है, आपका प्रोसेस आपको दिया हुआ मार्केटिंग का, तो इसको आपको जो है वो क्या करना है? एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अंडरस्टैंड मार्केटिंग में ये आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने ये दोबारा डाल दिया कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसको क्या सीक्वेंस होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है मार्केट प्लेस को, कस्टमर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आएगा सी। अंडरस्टैंड करने के बाद में
फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कस्टमर वैल्यू डिलीवरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ई डिलीवर। ये स्ट्रेटजी मेंटेन करने के बाद फिर हम लोग जो है वो कंसल्ट करेंगे इंटीग्रेट मार्केटिंग प्रोग्राम बोले तो ए करने के बाद में फिर हम इसको जो है वो क्या करेंगे, एंगेज करेंगे कस्टमर को, बिल्ड करेंगे प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप डी, और लास्ट में हम कैप्चर करेंगे क्या वैल्यू बोले तो बी। तो आंसर जो है इसका वो डेट इज द 4। चलो जी अब आया 23वां क्वेश्चन, क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, किसके लिए, फॉर मास मार्केटिंग के लिए। तो इनमें से कौन सी बात जो है मास मार्केटिंग के लिए सही नहीं है, तो मास मार्केटिंग के लिए डील विद कस्टमर डायरेक्टली ये बात जो है वो सही नहीं है, क्योंकि मास मार्केटिंग के अंदर हम एंटायर पॉपुलेशन के लिए एक ही सामान बनाते हैं, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली कस्टमर से डील ना करके हम लोग जो है मीडियोकर का सहारा लेते हैं, क्योंकि सभी को आप एक साथ जो है वो हैंडल नहीं कर सकते। तो 23 का जो आंसर आएगा वो डेट इज द 2nd। आ गया ये 24, बोलता है इन द रीसेंट ईयर, रीसेंट ईयर के अंदर मेजर गेन जो है लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी में हुआ है, हैव कम फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से जो है वो गेन हुआ, वो हुआ है कि आपकी जो आईटी टेक्नोलॉजी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो उसमें बहुत ही एडवांसमेंट आई है, उसकी वजह से जो है वो क्या हुआ है, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। तो 24 का आएगा 1। आगे 25, बोलता है इन ई कॉमर्स के अंदर वन ऑफ द की डिजाइन एलिमेंट जो है इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं, जो इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी जो है उसको हम बोलते हैं द वे साइट अनेबल यूजर टू यूजर कम्युनिकेशन। बेसिकली इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी, कम्युनिटी की बात हो रही है ना, तो इफेक्टिव वेबसाइट कम्युनिटी कौन सी होती है, जहां पे जो है वो यूजर एक दूसरे से जो है वो क्या कर पाए, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो 25 का जो आंसर आएगा डेट इज द 2nd। आगे आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे हैं और कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, इनको आपस में जो है वो क्या करना, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले एडवर्टाइजिंग जो है ये ब्राउचर बुकलेट एडवर्टाइजिंग का पार्ट है। अच्छा जी, सेल्स प्रमोशन की बात करें तो कॉन्टेस्ट करवा दिए, ये सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। वर्ड ऑफ माउथ जो है मार्केटिंग जो होती है, ये है जी आपके जैसे ब्लॉग्स हो गए, ठीक है, तो ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, कस्टमर ही आपकी जो है वो मार्केटिंग कर देगा, और पर्सन सेलिंग जो है वो सेल्स मीटिंग होती है इसके अंदर। तो 26 का जो आंसर बनेगा डेट इज द 2nd। आगे 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू नहीं है, अबाउट द किसके बारे में, वेब मार्केटियर के बारे में। तो वेब मार्केटियर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो ये बोलता है आस्क कस्टमर टू गिव द पर्सनल डेटा मैंडेटरी, कस्टमर को ये बोलना कि आप अपना पर्सनल डेटा मैंडेटरी है कि आप दो ही दो, ऐसा ये बात होती है क्या, नहीं सर, वो ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दो, नहीं तो नहीं, नहीं। तो आंसर जो है वो आएगा 3rd। तो वेब मार्केटर जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, उनके लिए बात है। अब बोलता है कंपनी डेटर बिकमिंग स्किल्ड, एक ऐसी कंपनी जो स्किल्ड हो गई है, स्किल बनना चाहती है, ठीक है, किसमें, सीआरएम के अंदर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसका फोकस जो है बेसिकली किसके ऊपर होता है, तो उसका फोकस होता है ऐसे प्रोग्राम को डेवलप करने में जो क्या करें, अट्रैक्ट करेंगे और रिटेन करेंगे किसको, राइट कस्टमर को, एंड मीट करेंगे इंडिविजुअल नीड ऑफ द वैल्यूड कस्टमर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 28 का 3। 28 के बाद 29, बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है, एक है असर्शन, एक है आपकी रीजनिंग, इनको आपस में बताना है। अब असर्शन जो है सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, वो बोलती है कि ऑटो कंपनी एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफर करती है कैश रिबेट, ये कैश रिबेट ऑफर करती है एनकरेज करने के लिए परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद इन ए स्टिपुलेटेड पीरियड, क्या ये ऐसा करती हैं क्या, जी बिल्कुल सही बात है, ऑटो कंपनी जो कार वाली हैं या मोबाइल आपके बाइक कंपनी जो हैं वो जनरली ये करती हैं, ये सेशन आपका ओके है। रीजन बोलता है सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग वक्त पे जो उसका एमआरपी है वो अलग अलग होता है, सर एमआरपी जो है जो मैक्सिमम जो प्राइस होता है रिटेल प्राइस वो उसका क्या रहेगा हमेशा सेम, लेकिन रिबेट दे करके जो है वो प्राइस अलग हो जाएगा। तो जो प्राइस यहां पे बात हो रही है प्राइसिंग की, जो बेसिकली जो एमआरपी जो है, ठीक है ना, ये तो ये जो है वो क्या है, क्या आपका सेम रहता है, ये आपका जो है वो अलग अलग नहीं होता है, रिबेट देके वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो प्राइस कौन सा है, जो आपका लिस्ट प्राइस है वो आपका अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये प्राइस है वो क्या रहेगा सेम। तो रीजन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 29 का डेट इज ए करेक्ट है, आर इज नॉट करेक्ट, बोल तो 3rd। आगे बोलता है मार्केटिंग लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप, मार्केटिंग लॉजिस्टिक प्लानिंग के अंदर जो है 4 स्टेप आते हैं, ठीक है, आपको इन स्टेप को जो है वो आपस में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन जो है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं बोले तो डी। इसके बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं बेस्ट चैनल डिजाइन एंड नेटवर्क स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग द कस्टमर, कर लिया। जब आपने चैनल डिजाइन कर लिया उसके बाद में अब आप जो है वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन द सेल फोरकास्टिंग वेयर हाउस मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड द मटेरियल मैनेजमेंट, और ये करने के बाद में फिर आप इंप्लीमेंट कर देंगे उन सॉल्यूशन को विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम इक्विपमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डीबीएसी बोलते हो 2nd। 30 का हो गया 2nd।
आओ जी आगे 31 बोलता है कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर में कौन सी एक्टिविटी नहीं आती है। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ऑब्टेनिंग, कंज्यूमिंग, डिस्पोजिशन, लेकिन प्रोड्यूसिंग जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट नहीं है। तो आंसर आएगा क्या 4। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सम ऑफ द परसीव्ड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट, इनमें से किसको हम बोलते हैं टेंजिबल, जो मतलब वो क्या चीज है जो कस्टमर को प्रोवाइड करती है टेंजिबल या इनटेंजिबल बेनिफिट, उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू। तो 32 का जो आंसर आएगा डेट इज अ थर्ड, कस्टमर वैल्यू होती है, कस्टमर वैल्यू में दोनों चीज आती है, टेंजिबल बेनिफिट भी और आपके इनटेंजिबल बेनिफिट भी। चलो जी आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गुडविल कंसीडर टू बी बेस्ट, सबसे बेस्ट गुडविल जो है वो किसको माना जाता है, वो होती है कैट गुडविल। ये सबसे बेस्ट गुडविल जो है वो माना जाता है क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो लॉयल होता है किसके प्रति, ब्रांड के प्रति। मतलब ओनर चाहे चेंज हो जाए लेकिन अगर जो कस्टमर है वो ब्रांड के प्रति जो है वो हमेशा क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। तो आंसर जो आएगा 33 का डेट इज अ सेकेंड। 34 बोलता है शॉपिंग गुड है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, जो शॉपिंग गुड्स होती है उनमें कौन कौन से फीचर होते हैं। तो शॉपिंग गुड्स वो हैं, दीज प्रोडक्ट जनरली ड्यूरेबल होते हैं, एक तो ये ठीक है जी, मतलब एक से ज्यादा बार यूज कर, जैसे कपड़े हो गए आपके वो शॉपिंग गुड्स है, तो ये कैसे हैं, ड्यूरेबल है। दूसरा कंज्यूमर जनरली कंपेयर करता है, जब आप कपड़े लेते हो एक दूसरे जो आपके सेलर है उनके साथ आप कंपेयर करते हो, जी ये भी सही है। परमिट प्राइस जो इन गुड्स का जनरली हाई रहता है, यस। दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूअस डिमांड के अंदर होती है, क्या ऐसा होता है क्या इसके अंदर कि ये गुड्स जो है वो सीजन के बेस पर होता है, ऐसा नहीं होता। दीज गुड्स आर सोल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट, कैसे है ये भी इसका पार्ट नहीं। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड सी, ए बी सी बोल तो सेकेंड। एक मिनट रुको, हाँ सही है। चलो अब आएगा 35, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक आर रिलेटेड इन द रिलेशनशिप मार्केटिंग, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है वो रिलेटेड है किससे, रिलेशनशिप मार्केटिंग से। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का बेसिक मतलब जो है वो क्या होता है कि कस्टमर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो क्या करना, मेंटेन करना। ओके तो कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप अगर आपको जो है वो क्या करना है, मेंटेन करना है, तो इनमें से कौन कौन से उसके जो है वो करेक्टरिस्टिक आएंगे आपको जो है वो बताने, भाई रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आएंगी। चलो जी देखते हैं, सबसे पहले बात करें रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर जो है वो क्या, प्रोडक्ट फीचर ओरिएंटेशन आएगा क्या, नहीं सर, प्रोडक्ट बेनिफिट ओरिएंटेशन आता है, बी आएगा। फ्रीक्वेंट कस्टमर से कॉन्टेक्ट करते रहेंगे जी, और हाई कंसर्न होगा अपना किसके लिए, क्वालिटी, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन होगी उतना ही बेटर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में बिल्डअप होगा। तो 35 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी सी एंड डी बोले तो फर्स्ट। 35 के बाद में अगला है 36, क्या बोलता है, बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म म्यूचुअली सेटिस्फाइंग रिलेशन विद की कस्टमर, कस्टमर के साथ में, सप्लायर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना रिटेन करने के लिए, देयर लॉन्ग टर्म प्रेफरेंस एंड बिजनेस इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग फर्स्ट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन स्टेज इन द कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल, कस्टमर रिलेशनशिप लाइफ साइकिल के अंदर कौन सी मेन स्टेज नहीं है, डेट इज अ कस्टमर एक्विजिशन भी आता है, डेवलपमेंट आता है, सेटिस्फेक्शन आता है, लेकिन कस्टमर एनोयंस ये इसकी मेन स्टेज नहीं है। क्योंकि कस्टमर एनोयंस का मतलब क्या होता है, जब एक कस्टमर जो है वो क्विक या इंस्टेंट सोल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का नहीं पाता, उसको बोलते हैं कस्टमर एनोयंस। अगर ऐसा होगा, कस्टमर एनोयंस होगा, तो वहां पे आपका कस्टमर के साथ में बेटर रिलेशनशिप कभी भी मेंटेन हो ही नहीं पाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, ये इसकी स्टेज नहीं थी। आगे चैनल अल्टरनेटिव इज नॉट टू बी असेस ऑन द बेसिस, चैनल अल्टरनेटिव जो है वो किसके बेस पर आप असेस नहीं करते हैं, तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया आप चेक करते हो भाई किस चैनल के थ्रू आपको सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसमें आप ये देखते हो सस्ता होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए, अडेप्टिव नेचर का हो, लेकिन एक्यूमुलेशन ये क्राइटेरिया जो है वो इसका पार्ट नहीं है। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 4। आगे पीटर एफ ड्रकर ने नोट किया द रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, किस टर्म के अंदर जो है वो पीटर एफ ड्रकर ने जो है वो ये बताया था इसके बारे में, तो वो था पीटर एफ ड्रकर ने बोलता कि जो सेलिंग और मार्केटिंग में जो उन्होंने रिलेशनशिप जो मेंटेन करके बताया, डेट इज द एम जो है मार्केटिंग का वो ये है टू मेक सेलिंग सुपरफ्लोस, मतलब सेलिंग जो है, मतलब मार्केटिंग का मेन एम ये है कि हम सामान को जो है बिना किसी रुकावट के, बिना हर्डल्स के हमारी जो है वो सेलिंग चलती रहे, तो ये हमारा जो है मेन एम होता है। तो 39 का जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। 39 के बाद में 40, रिटेल सप्लाई चेन डज नॉट इंक्लूड, रिटेल सप्लाई चेन के अंदर जो है वो क्या चीज नहीं आती है, रिटेल सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चर आता है, रिटेल आता है, होलसेल, लेकिन रेगुलेटर्स का पार्ट नहीं है। तो 40 का आएगा 4।
आगे एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच, एक ऐसा एडवर्टाइजिंग मेथड जिनमें जिसमें इन विच कमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली, मतलब आप एड जो है आपके एक साथ चलती रहेगी टू सेवरल रेडियो स्टेशन, अलग अलग स्टेशन पे, टीवी चैनल्स पे, रेडियोस पे आपकी जो है वो एड लगातार आ रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो स्ट्रेटजी होती है रोड ब्लॉक का। जब हर जगह हम ही चमकते रहे तो डेट इज अ रोड ब्लॉक। आगे Which among the following is not an internal factor of the pricing decision? इनमें से कौन सा जो है वो pricing decision का internal factor नहीं है? That is the customer behavior for given product. Consumer का behavior एक product के regarding जो है वो इसका pricing decision का जो है वो internal factor नहीं है। Elasticity internal factor है, consumer की expectation, company के regarding past pricing का ये factor है, position जो है product की product life cycle में ये internal factor है, लेकिन consumer का behavior for a given product, उस product के regarding consumer का behavior जो है वो आपका internal factor of pricing decision नहीं है। That is the 42 का डी। आगे assertion decision का क्वेश्चन आया और ये जो है वो क्या बोलता है, आइए देखते हैं। बोलता है परचेज डिसीजन आर नॉट बेस्ड ऑन हाउ, परचेज डिसीजन इसके ऊपर बेस नहीं है, किसके ऊपर बेस नहीं है, ऑन हाउ कस्टमर परसीव प्राइस बट ऑन द मार्केट स्टेटेड प्राइस। ऐसा होता है क्या सर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परचेज डिसीजन कस्टमर तभी लेता है कि कस्टमर को अगर लगता है कि उस प्राइस के अंदर उसको वैल्यू मिली है तो ही वो परचेज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो assertion तो आपकी गलत होगी। रीजनिंग क्या बोलती है, कस्टमर मे हैव ए लोअर प्राइस थ्रेशोल्ड। ऐसा हो सकता है कि कस्टमर जो है जिसका प्राइस थ्रेशोल्ड जो है वो क्या है, लोअर है, बिलो विच, मतलब कस्टमर अपने माइंड में एक साइकिल बनाता है भाई ये सामान का एक लोअर, भाई ये मैक्सिमम 100 रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए, 100 तो कम से कम होना चाहिए, अगर इससे प्राइस अगर और भी आपने डाउन कर दिया तो कस्टमर को लगेगा कि आपका सामान जो है वो कैसा है, इंफीरियर नेचर का है, ये बात सही है। और अपर प्राइस थ्रेशोल्ड से अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो कस्टमर को लगेगा कि ये सामान की जो है वो वर्थ नहीं है। तो रीजनिंग जो है वो क्या है, सही है। तो 43 का जो आंसर बैठेगा डेट इज द डी, बोल दो ए जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन आर रीजनिंग जो है वो क्या है करेक्ट है, तो 43 का डी। आगे 44 बोलता है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर क्या क्या आता है, तो अगर बात करूंगा प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग का तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स प्राइसिंग, इसमें आएगा स्पेयर पार्ट गुड स्पेयर पार्ट्स की प्राइसिंग और इसमें आएगा लोड फैक्टर प्राइसिंग, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट लाइफ प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग में पब्लिक यूटिलिटी प्राइसिंग नहीं आती है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी सी डी, बोले तो बी ऑप्शन। आगे प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ए प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग। तो आपको बताना है प्रोडक्शन फंक्शन की बात हो रही है तो उसके बारे में कुछ अजम्पशंस होती है, वो अजम्पशन जो है आपको बताने कौन सी सही है। सबसे पहला जो प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जी होता है, सब्सटिट्यूटेबिलिटी भी होती है उसमें, यस होती है उसके अंदर। फिर इसके बाद में क्या प्रोडक्ट इलास्टिसिटी, क्या ये प्रोडक्ट इलास्टिसिटी प्रोडक्शन फंक्शन का बढ़े डिमांड का, तो ये गलत हो गया। स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, यस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आपके इनपुट इसमें लगेंगे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड डी, ए बी डी बोले तो डी ऑप्शन, तो 45 का हो गया डी। आइए आगे आपको मैचिंग करनी है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले है प्रोडक्ट कैटेगरी, तो जो प्रोडक्ट कैटेगरी है इनका होता है लॉन्गेस्ट पीएलसी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है ये है आप, इनका होता है स्टैंडर्ड पीएलसी। जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इट इज वन ऑफ द सेवरल वेरिएंट शेप, ठीक है, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनका शॉर्ट या लॉन्ग पीएलसी हो सकता है, तो डी का आएगा 4। तो 46 का जो आंसर बैठेगा 2 3 1 4 बोले तो डी ऑप्शन। 46 के बाद 47 मैचिंग करना, आपको स्ट्रेटजी दे रही है और उनके एग्जांपल है। सबसे पहले डिफरेंशियल प्राइसिंग जो है वो क्या होता है, डिफरेंशियल प्राइस वो है जहां पे हम लोग जो है वो लो प्राइस रखेंगे अर्ली एंड इवनिंग मूवीज के लिए और वीकेंड डिस्काउंट देंगे फॉर कार पार्किंग रेंटल्स के लिए, तो ये होता है डिफरेंशियल, मतलब एक ही सामान के अलग अलग रेट जो है वो क्या करेंगे, चार्ज करेंगे अलग अलग टाइम पे। कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कस्टमर लॉन्जेस टू सिट इन व्हाइल वेटिंग फॉर ए टेबल एट द सर्विस सेंटर। जब आप सर्विस सेंटर पे गए तो वहां पे कस्टमर लॉन्जेस भी बना दिए तो वो है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कस्टमर को वेट करना पड़ रहा है तो आपने उसके बैठने की जगह जो है बना दी, तो बी का आएगा फर्स्ट। इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो किसमें पाया जाएगा, एयरलाइंस, होटल या फिजिशियन, कल्टीवेशन, ये करते हैं इसको रिजर्वेशन सिस्टम को, ताकि मतलब अगर कस्टमर को जो है अगर कहीं जाना है तो वो पहले से जो है वो अपनी सीट को बुक करवा सकता है। और नॉन पीक डिमांड का मतलब क्या, नॉन पीक मतलब जब पीक डिमांड नहीं है, नॉन पीक डिमांड चल रही है आपकी, मतलब डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली, वहाँ पे ये सब देखा जाता है कि ब्रेकफास्ट सर्विस बाय द मैकडी एंड सर्विस मिनी वैकेशन एंड वीकेंड बाय द होटल, तो ये डी का सेकंड, जब आपकी डिमांड ज़्यादा ना हो तो आप ये सर्विसेज भी स्टार्ट कर लेते हो अपनी डिमांड को मेंटेन करने के लिए। तो 47 का जो आंसर आएगा डेट इज द डी ऑप्शन।
47 के बाद आएगा जी अब अगला 48। क्या बोलता है? बोलता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी विच एडजस्ट, एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो क्या करती है, एडजस्ट करती है बेसिक प्राइस को टू अकोमोडेट डिफरेंस इन कस्टमर प्रोडक्ट एंड द लोकेशन स्कोर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होती है अपनी डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम प्राइस को चेंज करते हैं, प्राइस को एडजस्ट करते हैं कस्टमर के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से एंड लोकेशन के हिसाब से। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम अलग अलग रेट चार्ज करेंगे, दैट इज अ डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। 48 के बाद आएगा जी आपका 49। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सी प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी नहीं है। तो प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी में ट्रेडिंग अप ये प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजी है, अल्टरेशन भी है, सिंप्लीफिकेशन भी, लेकिन वैल्यू एडिशन ये आपके प्रोडक्ट मिक्स की जो है वो स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, 49 का जो है वो क्या आएगा, डी वैल्यू एडिशन। आगे रिलेशनशिप जो है मार्केटिंग के अंदर, उसका मतलब जो है वो क्या होता है, तो उसका मतलब है ए रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड कंज्यूमर। कंपनी और कंज्यूमर के बीच में जो रिलेशन होता है ना, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर उसका मतलब यही होता है कि कस्टमर में और कंपनी के अंदर जो रिलेशन है वो कैसा है। तो आंसर जो आएगा 50 का वो क्या आएगा, सी। लो जी 50 क्वेश्चन हो गए अपने, अब करेंगे 51 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं देखते हैं जी। लो जी ये है मैचिंग का, आपको लिस्ट दे रखी है, ठीक है, आपको अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटजी बता रखी है, इनको आपस में जो है वो क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। शुरुआत करते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग की। अगर हम बात करें स्कीमिंग क्या होता है, जहां जब हम जो है हाई प्राइस इलास्टिसिटी होती है किसके अंदर, आपके स्कीमिंग में, क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत ही क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। तो यहाँ पे स्कीमिंग के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा क्या, आपका हाई प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा डिफरेंशियल प्राइसिंग के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, एक ऐसी मार्केट जहां पे सेवरल सेगमेंट होते हैं और जो डिफरिंग प्रोमिनेंटली विद रिगार्ड टू द प्राइस इलास्टिसिटी, जहां पे अलग अलग आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, तो ये है आपका डिफरेंशियल। और पेनिट्रेटिंग के अंदर जो है वो क्या होता है, ए मार्केट हैविंग हाई प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये है जी कौन सा आपका, पेनिट्रेशन। तो आंसर जो आएगा डेट इज 51 का वो बनेगा जी आपका सी ऑप्शन 231। आगे मैचिंग करना आपको यहां पे दे रखा है मेगा मार्केटिंग। मेगा मार्केटिंग जो है, मेगा मार्केटिंग के अंदर लो प्राइस हम मेंटेन करते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है, एक मिनट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग जो है ये है, इसका बनेगा जी आपका, एक मिनट रुको, पेनिट्रेशन प्राइसिंग का लो प्राइस, प्रोमोशन मिक्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का हो गया आपका ये 4, और प्रमोशन मिक्स हो गया आपका ये एडवर्टाइजिंग, और मेगा मार्केटिंग का ये। तो आंसर बनेगा ए का 2, ये देख लेना, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये ऑप्शन बनेगा। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया स्टेटमेंट का, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है पहली स्टेटमेंट, सेल्स प्रमोशन हैज अ स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट, सेल्स प्रमोशन का स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर इन द रूरल इंडिया। अगर हम बात करते हैं रूरल इंडिया की, तो बोलता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर जो है सेल्स प्रमोशन का इंपैक्ट पड़ता है रूरल इंडिया में। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जितना सेल्स प्रमोशन होगा तो लोगों को लगता है कि यह सामान अच्छा है, तभी तो इसकी इतनी ऐड आ रही है, तो ये बात सही है। स्टेटमेंट 2 के अंदर जो है वो क्या बोलता है कि रूरल पीपल इन इंडिया गिव अटमोस्ट सिग्निफिकेंस टू सेल्स प्रमोशन स्कीम। जो रूरल पीपल जो है इंडिया के अंदर वो पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी, करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या बनेगा इसमें कि स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है आपकी, करेक्ट है, लेकिन सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो 53 का जो है वो क्या, ए ऑप्शन। 53 के बाद आएगा 54। बोलता है व्हेन ए प्रोडक्ट इज व्यू एज ए टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद द होल क्लस्टर ऑफ द सर्विस दैट अकॉम्पनी इट, दैट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, बोले तो बी ऑप्शन। आगे बोलता है द नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन, एक लाइन के अंदर जो है एक सामान के कितने वर्जन दिए जो है, कितने वर्जन हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, लाइन की डेप्थ बोलते हैं उसको, कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो अलग अलग जो है वो क्या हम लोग जो है वो वर्जन प्रोवाइड करें। तो 55 का जो है वो आएगा ए। 55 के बाद 56 बोलता है मैक्सिमाइजिंग द मार्केट शेयर इज द ऑब्जेक्टिव है कंपनी का इन डैश स्टेज ऑफ द पीएलसी। पीएलसी की किस स्टेज के अंदर जो है कंपनी अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना हमारा जो है वो मेन उद्देश्य होता है, वो होता है ग्रोथ के अंदर, क्योंकि ग्रोथ में कंपनी जो है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना चाहती है बस। 56 के बाद 57 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर डेट सर्व टू इंक्रीज द ब्रांड इमेज स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा नहीं है जो
बेसिकली जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो ब्रांड इमेज स्ट्रेंथ को जो है वो इंक्रीज करने का काम करे, तो वो कौन सा? तो इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, क्योंकि ब्रांड इमेज जो है, ब्रांड इमेज की स्ट्रेंथ को जो है बढ़ाने का काम करते हैं ये चार फैक्टर होते हैं, ये ब्रांड का परसेप्शन, ब्रांड की अवेयरनेस, ब्रांड लॉयल्टी एंड ब्रांड एसोसिएशन, इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर आएगा डी, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो ब्रांड इमेज को स्ट्रेंथ करने में काम करती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर्सनैलिटी। तो प्रोडक्ट पर्सनैलिटी की बात यहां पे जो है वो हो रही है, तो वो है कोर फीचर भी और एसोसिएट फीचर, ये दोनों फीचर मिल करके जो है एक प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने का काम करते हैं। तो 58 का जो है वो आएगा क्या, सी ऑप्शन। फिर 59 बोलता है लेबल जो लगाते हैं हम सामान के ऊपर, जो लेबल लगाते हैं, इट कंटेन रिटन स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, किसके बारे में जो है वो इसके फीचर लिखे होते हैं। तो जो आपका लेबल लगेगा सामान के ऊपर, उसके ऊपर लिखा होगा उस सामान के फीचर भी होंगे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, उसका कंपोजिशन भी होगा, डेट ऑफ एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब होगा। तो आंसर आएगा डी। 59 के बाद आएगा जी 60, बोलता है डैश रिप्रेजेंट द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मतलब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक कस्टमर फाइंड असेंशियल, जो एक कस्टमर पता है कि ये तो होनी चाहिए, तो वो क्या है, वो है जी आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। बोलते 60 का ए, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेसिक रिक्वायरमेंट की, एक सामान में ये सब चीज तो कम से कम होनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 60 का। अब आएगा जी 61 जो है वो क्या बोलता है, डैश आर द प्रोडक्ट डैट ए कस्टमर परचेज व्हेन ही फेस विद सडन प्रॉब्लम, जब सडन प्रॉब्लम है तो सामान को कस्टमर जो है वो कौन से सामान को परचेज करता है, डेट इज द अनसोल्ड प्रोडक्ट, अनसोल्ड प्रोडक्ट आपका सी ऑप्शन, जिसके लिए आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी। आगे, मार्केटियर हु अडॉप्ट डैश स्ट्रेटजी एड लो प्राइस आइटम इन दर एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, आप जो पहले सामान बनाते थे, जैसे मान लो हम बात करते हैं ऑडी का, मैंने एग्जांपल भी दिया था क्लासेस के अंदर, ऑडी जो है वो बना रहे थे बेसिकली पहले ऑडी का A4, ऑडी बना रही थी A6, ऑडी का A8 आ रहा है, R1 आ रही है, ये सब ठीक है, या क्यू सीरीज आ रही थी ऑडी की, Q3, Q5 और Q7, अब ये शुरुआत हो रही है लगभग लोगों को 50 लाख से इसकी शुरुआत थी, तो ओडी ने क्या किया अपनी एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर जो है वो क्या किया, ओडी A3 उतार दी, ये 35-36 लाख रुपए से इसकी शुरुआत हो गई। तो जब आप अपने जो है वो अपने एग्जिस्टिंग लाइन के अंदर जो है एक लो प्राइस आइटम को जो है वो क्या करते हो, इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग डाउन, और वही अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट में चले जाओगे तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप। तो 62 का जो आंसर आएगा डेट इज अ ट्रेडिंग डाउन, क्योंकि आप लो सेगमेंट में चले गए, तो 62 का जो है डेट इज अ ए। आगे 62 के और 63, डैश प्रोडक्ट आर कंज्यूम ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट बट दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। तो बोलता है ये इनमें से ऐसा एक प्रोडक्ट जो कंज्यूम होगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम पे और डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट बट दे डू नॉट बिकम पार्ट, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट का जो है वो पार्ट नहीं है, वो क्या है, वो है कंज्यूमेबल सप्लाई। तो कंज्यूमेबल सप्लाई जो है उसको मतलब बी ऑप्शन, ये जो कंज्यूमेबल सप्लाईज होती है ये क्या होता है, प्रोडक्शन के टाइम पे हम इनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे जो है जब सामान को जब हम डिलीवर करते हैं तो उस टाइम पे भी इसको हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जो है वो फाइनल प्रोडक्ट का जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है ठीक है, वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये है ऑप्शन क्या, बी। आगे, इन विच स्टेज, किस पीएलसी की किस स्टेज के अंदर कंपनी टेक डिसीजन वेदर टू मेंटेन हार्वेस्ट और ड्रॉप द प्रोडक्ट, कि आपको सामान को मतलब जो प्रोडक्ट है उसको मेंटेन करना है, हार्वेस्ट करें या फिर क्या करें, ड्रॉप करें, तो किस स्टेज पे हम लोग ये चीज डिसाइड करते हैं, डेट इज अ डिक्लाइनिंग पे हम देखते हैं कि उसी को बनाते रहें या फिर उसको अब सामान को बनाना क्या कर दें, बंद कर दें। 65 क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेटजी, इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है फॉर ग्रोथ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो पीएलसी की यहां पे बात हो रही है, तो इनमें से कौन सी जो है वो स्ट्रेटजी है ग्रोथ स्टेज की, तो ग्रोथ स्टेज पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्राइस को कट करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, क्योंकि यहां पे हमारा मेन एम जो है वो कस्टमर का जो बेस है इसको इंक्रीज करना होता है, तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है। इसके बाद आएगा जी एंटर द न्यू मार्केट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है नई नई मार्केट में एंटर करते हैं अपने मार्केट सेगमेंट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये भी इसका पार्ट है। अबंडन करते हैं वीकेंड प्रोडक्ट को, ये यहाँ होता है नहीं, ये डिक्लाइनिंग मोड का पार्ट है, तो ये इसका गलत हो गया। इंक्रीज करते हैं एडवर्टाइजिंग, ये इसका पार्ट है, एंड सेल प्रमोशन को नहीं सर, ये आपके मैच्योरिटी स्टेज के अंदर हम करते हैं, ये भी इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर जो आएगा डेट इज अ बोथ 1 एंड 2 ए ऑप्शन।
65 के बाद 66 बोलता स्लो स्कीमिंग इज फिजिबल। स्लो स्कीमिंग मतलब धीरे धीरे करके रेट को बढ़ाना, वो कहां पे फिजिबल है? वो फिजिबल है जब मार्केट अवेयर है आपके सामान के बारे में, मार्केट साइज जो है वो लिमिटेड है और कस्टमर रेडी है हायर प्राइस पे करने के लिए। तो आंसर आएगा डी। अगर ये तीनों सिचुएशन है तो आप धीरे धीरे करके अपने रेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन कौन सा होता है जिसके अंदर हम जो है वो प्राइस को रिड्यूस करके कम्पीट नहीं करते, ठीक है ना। हम कोई क्विज चला देंगे, कोई कॉन्टेस्ट चला देंगे, ठीक है, या कोई गिफ्ट गुफ्ट देके कम्पीट करते हैं, उसको बोलता है नॉन प्राइस। तो बोलता है इन नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन मार्केट ईयर फोकस करता है ऑन फैक्टर सच एज। नॉन प्राइस के अंदर मार्केट ईयर का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है? वो होता है प्रोडक्ट के फीचर के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, पैकेजिंग एंड प्रमोशन के ऊपर। तो आंसर जो आएगा वो इट इज अ डी, बोलता ऑल ऑफ द अबव। 67 के बाद 68 बोलता है अंडर डैश मार्केट ईयर लॉन्च करता है प्रोडक्ट को एट द हायर प्राइस पे एंड हायर प्रमोशन लेवल टू स्कीम द मार्केट रैपिडली। वो किसका पार्ट है बेसिकली? तो वो पार्ट है आपका रैपिड स्कीमिंग का। रैपिड स्कीमिंग के अंदर मार्केटर जो है वो सामान को हायर प्राइस पे अभी से ही जो है वो क्या कर देगा, लॉन्च करेगा, ठीक है, और जल्दी जल्दी जो है वो क्या करेगा, मार्केट को स्कीम कर लेगा। इसका मतलब जो है ऊपर ऊपर से मलाई उतार लेगा, डेट मीन्स कि शुरू में ही एक्सेस प्रॉफिट वो कमा लेगा, ताकि जब तक लोग उसको ओपे मारना शुरू करेंगे तब तक वो कमा को मुंह के बाहर निकल जाएगा। तो 68 का जो आंसर आएगा डेट इज अ बी। 68 के बाद 69 डैश इंक्लूड ऑल एक्टिविटी, इनमें से कौन सा है जिसके अंदर ये सब एक्टिविटी आएगी डायरेक्टली रिलेटेड, जो रिलेटेड है टू द सेल ऑफ द गुड्स और सर्विस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। तो वो क्या है जी? वो है जी आपके क्या, प्रोड्यूसिंग। आंसर जो आएगा 69 का डेट इज अ प्रोड्यूसिंग। तो प्रोड्यूसिंग के अंदर आएगा बेसिकली वो सारी एक्टिविटी जो रिलेटेड है किसे, सेल ऑफ द गुड्स और सर्विस टू द अल्टीमेट कंज्यूमर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस यूज। तो आंसर जो है वो क्या आएगा जी आपका, प्रोड्यूसिंग। आगे क्योंकि प्रोडक्शन में वो सब एक्टिविटी आती हैं। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री प्राइमरी कंसीडरेशन हाउ डिमांड इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग डिसीजन, कि डिमांड कैसे प्राइस को अफेक्ट करती है। तो इनमें से कौन सा इसका पार्ट नहीं है? तो वो डेमोग्राफिक फैक्टर, ये इसका पार्ट नहीं है। इसके बेस पर आप नहीं बता सकते कि प्राइस का जो है वो आपके डिमांड पर क्या इंपैक्ट है, तो इसके बेस पर आप वो नहीं करते हो। रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर करते हो, साइकोग्राफिक फैक्टर के बेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेस पर करते हो, प्राइस इलास्टिसिटी के बेस पर हम देखते हैं कि प्राइस का जो है वो डिमांड पर क्या इंपैक्ट है, लेकिन जो आपका डेमोग्राफिक फैक्टर है, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया जैसे, उसके बेस पर हम ये चीज को डिसाइड नहीं करते। तो 70 का जो आंसर आएगा डेट इज अ ए। अब है जी आपका 71 बोलता है सम टाइम कई बार सेवरल प्रोडक्ट आर सोल्ड टुगेदर, बहुत सारे सामान को हम एक साथ लेके आते हैं एट ए सिंगल प्राइस पे टू सजेस्ट ए गुड वैल्यू, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच प्रोडक्ट मिक्स। ये किसका पार्ट है? ये है आपका प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। बंडलिंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग सामान को एक साथ जो है वो क्या करते हैं, एक कंबाइंड का एक चार का पैकेज बना देंगे। जो सामान पहले इंडिविजुअली सेल हो रहे थे उनको हमने क्या कर दिया, एक पैकेज बना के दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। तो 71 का आंसर आएगा ए। 71 के बाद 72 बोलता है सेलर चार्ज ए रिलेटिवली लो प्राइस, सेलर जो है वो लो प्राइस चार्ज कर रहा है ऑन ए नए प्रोडक्ट के ऊपर। तो वैसे तो आगे पढ़ने की जरूरत में नहीं है क्योंकि नए प्रोडक्ट को, नया सामान उसने मार्केट में लॉन्च किया, ठीक है, और वो इकोनॉमिक जो स्केल उसको ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, और रैपिड क्रिएट करना चाहता है मास मार्केट को, मतलब पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। तो बताओ शुरू में रेट कैसा रखें, हाई रखें लो रखें? सर हाई रखोगे तो कोई लोग परचेस करेंगे नहीं, तो शुरू में सामान कैसा रखो, लो प्राइस रखो उसका। तो आंसर जो आएगा 72 का वो क्या आएगा जी आपका, 72 का सी, पेनिट्रेशन। इसके अंदर जो सेलर है वो क्या करेगा, शुरुआत के अंदर लो प्राइस जो है वो चार्ज करेगा। आगे इन प्राइस कंपटीशन, प्राइस कंपटीशन क्या होता है पहले ये बताओ सर। प्राइस कंपटीशन का मतलब जिसके अंदर रेट को कम करके जो है हम लोग कंपीट करते हैं। मार्केटियर हु कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट द डैश कॉस्ट विल यूजली विन ए लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट शेयर। तो यहां पे क्या, अगर कोई कस्टमर लोवेस्ट कॉस्ट किस पे, अगर वो जो है वो सामान को बेचेगा किस पे, लोवेस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो वो जो है वो लार्जर मार्केट शेयर को जो है वो कैप्चर कर सकता है, क्योंकि जितना सस्ता सामान होगा तो बहुत सारे लोग उसको परचेस करने के लिए विलिंग रहेंगे। तो 73 का जो आंसर बनेगा डेट इज द बी, लोवेस्ट। आगे बोलता है इन डैश मार्केट ईयर, इन किसके अंदर मार्केट ईयर जो है वो अडॉप्ट करता है डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट एट द डिफरेंट लोकेशन और फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर। तो ये किस में करता है, वो होता है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के अंदर जो है एक ही सामान के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग लोकेशन के ऊपर आप जो है वो अलग अलग रेट चार्ज करते हो। 74 का आएगा ए।
74 के बाद 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो है वो मोड नहीं है, कौन सा? तो वो है ट्रेडिंग मीडिएटर, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, इनको जब आप ले आओगे तो ये डायरेक्ट सिस्टम का पार्ट थोड़ी है, ये तो आपका फिर क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। ये तो क्या हो गया जी, आपका इनडायरेक्ट हो गया। तो ट्रेडिंग मीडिएटर जो है वो आपके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होता है जिसमें कंपनी डायरेक्टली अपने सामान को बिना किसी मीडियोकर की मदद के जो है वो क्या करती है, कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। चलो जी आगे, वन टाइप ऑफ होलसेलर डेट नेवर हैंडल द आइटम फिजिकली, इनमें से कौन सा होलसेलर है जो आइटम को फिजिकली कभी भी हैंडल नहीं करता, इज नोन एज, तो उसको जो है वो बोलते हैं हम ड्रॉप शॉपर, बी, वो सीधा कस्टमर को पहुंचाने का काम करेगा। आगे, ए स्ट्रेटजी इन विच कंपनी स्टोर करती है गुड्स को इन मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट इज, वो कौन सी स्ट्रेटजी है, तो वो है जी कौन सा, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जब कंपनी जो है वो क्या करती है, जगह जगह अपने रिटेल आउटलेट खोल दे पूरी मार्केट को कैप्चर करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर एक शहर में एक ही खोले तो उसको बोलेंगे क्या, एक्सक्लूसिव। आगे, मैन्युफैक्चरर हु सेल टू होलसेलर रादर देन डायरेक्टली टू द रिटेलर, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर जो होलसेल को सामान सेल करता है, ना कि किसको, हु सेल टू होलसेलर रादर देन, ना कि किसको, रिटेलर को, कैन, तो उसके बारे में बताइए क्या, तो वो जो है वो ऑपरेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल से, तो वो छोटे अमाउंट ऑफ कैपिटल से भी जो है वो ऑपरेट कर लेगा, क्योंकि वो सीधा बनाएगा और बना के सीधा देगा किसको, होलसेलर को, होलसेलर तो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये डायरेक्टली परचेस कर फिर वो आगे छोटे छोटे रिटेलर्स को सेल करते रहेंगे। तो ऐसा जो मैन्युफैक्चरर जो डायरेक्टली सेल कर रहा है किसको, होलसेलर को, तो ऐसा मैन्युफैक्चर जो है वो क्या करेगा, वो थोड़े से पैसे से भी जो है वो क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो 78 का आंसर क्या आएगा, सी। आगे, ए टाइप ऑफ मर्चेंट होलसेलर टिपिकली यूज, ए टाइप ऑफ मर्चेंट होलसेलर टिपिकली यूज वेयर प्रॉम्प्टर ऑफ डिलीवरी, जब जल्दी जल्दी डिलीवरी हो रही है, और फ्रेशनर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज नोन एज, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, वो है जी किसका, ट्रक होलसेलर का, ये सी ऑप्शन, ये इसके करेक्टरिस्टिक आपको जो है वो दे रखे हैं। आगे, इन ऑर्डर टू क्लोज द गैप, जब आपको जो है वो क्या करना है, गैप क्लोज करना है, डेट अराइज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर के बीच में जो गैप आ गया था, दीज रिप्रेजेंटिंग मार्केटिंग चैनल परफॉर्म विच वन द फॉलोइंग टास्क, तो उस गैप को खत्म करने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, आप जो है वो करते हैं बेसिकली क्या, पोजेशन एंड ओनरशिप, तो ये गैप होता है पोजेशन ओनरशिप का, इसको खत्म करने के लिए जो अराइज होता है प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में, ठीक है ना, जिसको खत्म करते हैं इस टास्क से, पोजेशन एंड ओनरशिप, तो आंसर जो आएगा वो 80 का क्या आएगा, ए। आगे, 81 बोलता है द डैश ऑफ द चैनल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट लेवल डेट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल यूजर, वो क्या होता है, तो वो होता है जी आपके लेंथ, मतलब कितनी लेंथ है, मतलब प्रोड्यूसर से सामान जब जा रहा है कस्टमर तक, तो बीच में कितनी लेंथ है, मतलब आपने रिटेलर्स को लिया या आपने होलसेलर को भी लिया या आपने जोबर्स को भी लिया, तो ये बेसिकली जो है वो पार्ट है किसका, लेंथ का, तो आंसर जो आएगा 81 का, डेट इज अ ए, द लेंथ, जो लेंथ होती है ऑफ द चैनल वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट लेवल जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल यूजर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, इनमें से कौन सा ऑफर करता है वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, तो क्या क्या है, तो स्पेशलिस्ट स्टोर, क्या ये है क्या, नहीं सर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, ये वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं, कंज्यूमर को ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है बहुत अलग अलग सामान जो है अलग अलग क्वालिटीज का वो मेंटेन करते हैं, स्पेशलिस्ट स्टोर तो एक ही सामान को मेंटेन करता है जनरली, ठीक है ना, तो 82 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2, 3 and 4, बोलते सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन क्या था, बोलते विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑफर करता है वाइड सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, तो आएगा 2, 3 and 4। आगे, टू डेवलप द मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम को अगर डेवलप करना है सो दैट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट करे ए कंसिस्टेंट मैसेज इज द गोल ऑफ, ये जो है वो गोल है किसका, ये गोल है आपके एडवर्टाइजिंग का, तो एडवर्टाइजिंग के अंदर बेसिकली आप जो है वो क्या करते हो, आप डेवलप करते हो एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम सो दैट, ताकि ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करे कंसिस्टेंट मैसेज देगी, ठीक है, तो वो है किसमें, एडवर्टाइजिंग के अंदर। आगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आप कंसिस्टेंट एक ही चीज लगातार रिपीट होती रहती है, पर्सनल सेलिंग में तो आप चेंज कर सकते हो बिहेवियर के बेस पर, लेकिन यहां पे नहीं होता ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड बाय विच फर्म डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर फर्म जो है डिसाइड करते हैं कि कितना हम जो है वो खर्च करेंगे किसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग पे, इनमें से कौन सा वो मेथड नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, टास्क अप्रोच है, लेकिन चेक एंड बैलेंस ये इसका जो है वो मेथड नहीं है, तो 84 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी।
84 के बाद 85। बोला सम फर्म सेट देयर प्री डिटरमाइंड शेयर रिसोर्स, कुछ फर्म पहले से जो है वो सेट कर लेती हैं क्या एक प्री डिटरमाइंड शेयर रिसोर्स। दिस वुड बस्टिंग मेथड ये कौन से मेथड के अंदर ऐसा होता है, वो होता है ऑल यू कैन अफोर्ड, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो पहले से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा हम लोग जो है वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे अपने मार्केटिंग के ऊपर मान लो या उस पे एडवर्टाइजिंग पे। डी आगे व्हेन कंपीटिंग फर्म इन द सेम इंडस्ट्री यूनिट प्रमोट करती है अपने सामान को एज ए होल देयर एडवर्टाइजिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब है, तो उनकी एडवर्टाइजिंग को जो है वो हम क्या बोलते हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग होती है प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। जब ये ध्यान से समझ लो, जब कंपीटिंग फर्म जो है एक ही इंडस्ट्री में काम करने वाली जो फर्म्स हैं वो प्रमोट करती है अपने सामान को एज ए होल, ये होल वर्ड आ गया ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है कौन से, प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। आगे एडवर्टाइजिंग बजट इज इन्फ्लुएंस, जो एडवर्टाइजिंग का जो बजट है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, किस फैक्टर से वो जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, तो वो होता है जी आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइज, कैसा सामान आप किस सामान की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, हाँ जी इसका भी इंपैक्ट पड़ता है बजट के ऊपर, मतलब इसका मतलब किस सामान की आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो ये इस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा बजट पे। मार्केट का भी मार्केट का साइज कैसा है, अगर मार्केट का साइज लार्ज है तो आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग का बजट भी दर्ज करना पड़ेगा। डेमोग्राफिक कंडीशन इसका है क्या, नहीं सर मार्केट साइज का होता है, डेमोग्राफिक कंडीशन का नहीं है। सेल्स वॉल्यूम इसका पड़ता है, हाँ जी अगर आप सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हो तो एडवर्टाइजिंग बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 87 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 and 4 बोलो तो बी ऑप्शन। आगे रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है, अभी बताया भी था रोड ब्लॉकिंग के अंदर जब हम हर जगह पे जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो क्या करते हैं एडवर्टाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो रोड ब्लॉकिंग के अंदर हम क्या करेंगे एडवर्टाइजिंग करेंगे सामान को ऑन द ऑल सभी सिमिलर रेडियो टीवी चैनल्स पे एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं रोड ब्लॉकिंग। आगे ए प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी वेयर, एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी जहां पे कंपनी ऐड करती है हायर प्राइस प्रोडक्ट टू ए लाइन, हायर प्राइस प्रोडक्ट जो है वो अपनी लाइन के अंदर ले आई इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ए ब्रॉडर मार्केट, मार्केट को बढ़ाने के लिए जो है जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम पहले सस्ता सामान बनाते थे और अब हम जो है वो महंगा सामान भी हमने बनाना शुरू कर दिया तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अप, आंसर आएगा ए। आगे 90 जो है वो क्या बोलता है, असर्शन दिया बोलता है एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व, एडवर्टाइजिंग में आएगा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, तो है बिल्कुल सही बात है एडवर्टाइजिंग के अंदर बेसिकली ये तो होता है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहां पे क्या क्या जो एडवर्टाइजर होता है या जो कंपनी होती है क्या वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ में डील करती है, नहीं सर आपने तो एक बार एक एड को रिकॉर्ड किया उसको चलाते रहते हैं तो उसी को तो एडवर्टाइजिंग बोल रहे हैं, हाँ जी सर जैसे टीवी एडवर्टाइजिंग की मैं बात करूँ एड की बात करूँ तो बोलता है एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व द इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यस। रीजनिंग बोलता है इट पे टू एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा जी करना पड़ता है और मनी जो स्पेंड किया था एडवर्टाइजिंग पे वो इन्वेस्टमेंट है ना कि वेस्ट, बिल्कुल सही बात है रीजनिंग भी सही है बट इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बोथ ए और आर जो है वो क्या है ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए, बोल तो 90 का बी ऑप्शन। 90 के बाद 91 क्या बोलता है, असर्शन रीजनिंग का है दोबारा से बोलता है, असर्शन बोलती है द मार्केटिंग मैनेजर हैज टू टेक मेनी डिसीजन, मार्केटिंग मैनेजर को जो है वो कई सारे डिसीजन लेने होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल सही बात है ये बात एकदम सही है, मार्केटिंग मैनेजर को जो है वो कई डिसीजन लेने होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये बात सही है। फिर बोलता है मेन ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग मैनेजर का वो ये है टू अचीव द प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है ये भी, जो हमारे प्री डिटरमाइंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव उनको अकॉम्प्लिश करने के लिए ही तो अपने को डिसीजन लेना होता है जी, तो ये भी बात सही है और आंसर आएगा ए, असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। 91 के बाद 92 असर्शन क्या बोलती है, बोलता है द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ 4P, जो प्रोडक्ट है वो मेन एलिमेंट है किसका, 4P ऑफ द मार्केटिंग मिक्स का अगर हम बात करते हैं तो, बिल्कुल सही बात है ये सही है क्योंकि मार्केटिंग मिक्स के 4P के अंदर आपका प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस ये चार आते हैं जी, तो प्रोडक्ट किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जी, असर्शन सही है। रीजनिंग बोलता है फिर ए टिपिकल प्रोडक्ट गोज थ्रू 4 stages इन इट्स लाइफ, जो प्रोडक्ट है वो 4 stages से होकर गुजरता है, वो हमको मालूम है पहले इंट्रोडक्शन होता है फिर ग्रोथ होगा फिर आपका मेजोरिटी आएगा फिर डिक्लाइन, ये भी बात सही है लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई लेने देना नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बी, बोल दो असर्शन रीजनिंग दोनों ट्रू है बट रीजनिंग जो है वो नोट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे फिर एक और असर्शन रीजनिंग आया, बोलता है असर्शन बोलता है द प्रोडक्ट मिक्स, जो प्रोडक्ट मिक्स होता है इज अ सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट दैट
ऑर्गेनाइजेशन ऑफर टू इट्स कस्टमर। प्रोडक्ट मिक्स में क्या आएगा, सारा वो सारे क्वालिटी के सामान जो कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को, वो सब पार्ट है प्रोडक्ट मिक्स का, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है विड्थ जो है इज अ टोटल नंबर होता है प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी कैरी, जी कंपनी अलग अलग जो प्रोडक्ट लाइन कैरी कर रही होती है उसको बोलते हैं, ये तीन प्रोडक्ट लाइन कंपनी कैरी कर रही है इसको बोलते हैं विड्थ। ये भी बात सही है, लेकिन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो 93 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। इसके बाद 94 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, असर्शन बोलती है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, ध्यान से सुनना क्या बोलता है, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जिसके हम फाइंड आउट करते हैं पॉसिबिलिटी, क्या फाइंड आउट कर रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट कीपिंग इन व्यू द कस्टमर नीडेड वॉन्ट, कस्टमर की नीड और वॉन्ट को ध्यान में रखते हुए सामान को बनाएंगे, जी ये पार्ट है किसका, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ये बात एकदम सही है। फिर रीजनिंग में बोलता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी डज नॉट डिपेंड ऑन द कस्टमर परसेप्शन, जो आप रेट डिसाइड करते हो वो कस्टमर के हिसाब से नहीं करते, गलत कस्टमर के हिसाब से करते हैं। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, जिससे आएगा कि असर्शन ट्रू है लेकिन रीजनिंग क्या है, फॉल्स है। आगे 95 फीचर दे रखे प्रोडक्ट मिक्स के और उनकी एक्सप्लेनेशन है, आपको इनको जो है आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहला विड्थ जो है वो क्या होती है, विड्थ का मतलब होता है कितनी प्रोडक्ट लाइन एक कंपनी कैरी करती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की विड्थ, तो एक आएगा। टू लेंथ जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन द प्रोडक्ट मिक्स, एक मिक्स के अंदर कितनी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ आइटम है उसको बोलते हैं क्या, लेंथ। डेप्थ जो है वो क्या होती है, वैरायटी ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन उसको बोलते हैं डेप्थ। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे से कितनी क्लोजली रिलेटेड है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, डी का आएगा 4। तो 95 का आंसर आएगा ए। आगे 96 प्राइसिंग मेथड दे रखे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, आपको इनको जो है वो आपस में क्या करना है, मैचिंग करना है। मार्कअप प्राइसिंग जो है वो क्या होती है, जिसमें कॉस्ट प्लस में हम कुछ मार्कअप डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड करते हैं ये। फिर इसके बाद आएगा जी आपका टारगेट रेट रिटर्न प्राइसिंग जो है वो कौन सी होती है, अगर इसकी बात करें तो ये होता है जिसमें स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न जो है वो होती है अपना। इसके बाद गोइंग रेट जो है वो क्या होता है, गोइंग रेट प्राइसिंग के अंदर हम लोग जो है वो जो प्रीवेलिंग प्राइस है वही लेके चलते हैं। और मार्केट स्कीमिंग जो है वो क्या, जिसमें हम हाई प्राइस को सेट करते हैं और रिकवर करते हैं कॉस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आंसर जो आएगा 96 का, डेट इज अ ए ऑप्शन। लो जी 97 क्या बोलता है, आपको यहाँ पे जो है अलग अलग बातें बताई हैं और उनको आपस में मैचिंग करना है। स्क्रैम्बल्ड लाइन की बात कर रही है पहले, यहाँ स्क्रैम्बल्ड लाइन जो है वो कौन सी होती है, स्क्रैम्बल्ड लाइन का मतलब है सुपरमार्केट सेलिंग नॉन फूड आइटम, जब एक सुपरमार्केट जो है वो नॉन फूड आइटम को सेल करना शुरू कर दे तो उसको बोलता है स्क्रैम्बल्ड लाइन। पाइपलाइन की अगर बात करें तो पाइपलाइन जो है वो क्या, इट इज अ पाइपलाइन है मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सामान को एक जैसे दूसरी जगह लेके जाना, वो पाइपलाइन। होलसेलर कौन है, ये मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन बाइंग द गुड्स एंड रीसेलिंग देम टू द रिटेलर, जो रिटेलर को आगे सामान बेचता है उसको बोलते हैं होलसेलर। ब्रोकर कौन है, जो ब्रिंगिंग बायर और सेलर को एक साथ जो लेके आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रोकर। तो आंसर जो आएगा 97 का, डेट इज द 97 का आएगा बी ऑप्शन 1 2 3 4। इसके बाद आएगा जी 98 जो है वो आपको फिर मैचिंग आ गया। ग्रेडिंग जो है वो क्या, ग्रेडिंग क्लासिफाई करेंगे विंस मोर कॉन्फिडेंस टू द कस्टमर, अगर आपने ग्रेडिंग कर दिया तो इससे कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये सही है। पैकेजिंग जो है, पैकेजिंग क्या, जो सेलिंग को फैसिलिटेट करती है। ब्रांडिंग की अगर बात करें तो ब्रांडिंग जो है वो क्या है, ब्रांडिंग बेसिकली नेमिंग द प्रोडक्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम सामान को आइडेंटिफाई, ब्रांडिंग की मदद से हम सामान को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको औरों के सामान से क्या करते हैं, अलग करने का काम प्रयास करते हैं। और एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या, इट इज द आर्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, कस्टमर को बताने की जो कला है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडवर्टाइजिंग। तो 98 का आंसर जो है वो क्या आएगा, ए। 98 के बाद आएगा जी 99, आपको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे किसका, सेल्स पर्सनल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, पर्सनल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या, इट इज अ पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ द आइडिया गुड्स एंड सर्विस, इसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो एक आ गया। टू ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी जो है वो क्या है, ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम टू रीच ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जब हम हर जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं गिवन एरिया के अंदर तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी। क्वालिटेटिव सिलेक्टिविटी जो है वो बेसिकली क्या होती है, क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव के अंदर आएगा इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम टू रीच ओनली सर्टेन टाइप ऑफ पीपल, ये क्वालिटेटिव। और जो आपका क्वालिटी सिलेक्टिविटी की बात हो रही है। और फिर आएगा प्राइमरी डिमांड जो है वो क्या, इट स्टिमुलेट डिमांड फॉर द होल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो होल टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है आपका कौन सा, आपका प्राइमरी डिमांड। तो आपको मैंने बताया भी था प्राइमरी डिमांड का मतलब जो है वो यही होता है आपका क्या, कि जिसके अंदर हम लोग स्टिमुलेट करते हैं डिमांड फॉर ए होल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो 99 का जो आंसर बनेगा डेट इज अ ए। अब आएगी जी 100वां क्वेश्चन,
बोलते हैं इफ सर्विस मार्केटिंग बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ, सर्विस मार्केटिंग जो है वो डिफिकल्ट है, क्यों सर्विस की मार्केटिंग नहीं कर सकते? देखो सामान को तो दिखा के आप मार्केटिंग कर सकते हो, बट सर्विस की मार्केटिंग जो है थोड़ी सी मुश्किल है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर्विस कैसी है, इनटेंजिबल नेचर की है भाई, आप उसको टच या सीन नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये बता सकते हो भाई हम अच्छी बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट वो कैसी करते हैं वो चीज़ नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वो टेंजिबल होता, गुड्स होती तो आप दिखा देते हो उसको, ठीक है ना। तो सर्विस मार्केटिंग डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है सर्विस में कौन सा एलिमेंट है आपका, इनटेंजिबिलिटी का। लो जी 100 क्वेश्चन हो गए, अब करेंगे 101। चलिए जी अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। 101 जो है वो क्या बोलता है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सर्विस इज फॉल्स। तो बोलता है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है किसके रिस्पेक्ट में, प्राइसिंग ऑफ सर्विस, वो जो है वो क्या है, गलत है। तो प्राइसिंग ऑफ सर्विस ये है कि देखो जब आप सर्विस को देते हो तो वहां पे आप कि जो आप सर्विस रेंडर कर रहे हो उसकी आपकी उसके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ी है, उसको निकालना हमारे लिए जो है वो बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द प्राइसिंग ऑफ सर्विस इज फॉल्स। तो बोलता है पहला तो ये था कि डिमांड जो है, ध्यान से सुनना, द डिमांड फॉर द सर्विस टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक, सर्विस की डिमांड इलास्टिक होती है गुड्स के रिगार्डिंग, ऐसा नहीं है। दूसरा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग इज मोर डिफिकल्ट, जो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग जो है वो क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है फॉर सर्विस के लिए। जी ये बात जो है वो ये जो स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी, सही है। फिर कंपेयरिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज मोर डिफिकल्ट फॉर द सर्विस कंज्यूमर एंड कस्टमर आर लेस एबल टू स्टॉक पाइल सर्विस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट प्राइस। तो ये बात जो है वो क्या है आपकी, फॉल्स है। तो कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग निकालना जो है इज मोर डिफिकल्ट फॉर सर्विस। तो आंसर आएगा आपका 101 का बी। 101 के बाद 102 बोलता है सर्विस आर करेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट फॉर, किसको मतलब कौन सा सर्विस के अंदर इंक्लूड नहीं है, इंटेंजिबिलिटी होती है, पेरिशेबिलिटी होती है, इनसेपरेबिलिटी होती है, लेकिन होमोजेनिटी इसका पार्ट नहीं है। तो 102 का आएगा बी। 102 के बाद 103 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड फॉल्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी, गलत है। आपको ये बताना कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो ये है कि पहला ये है सर्विस कैन नॉट बी टच और सीन इन द सेम मैनर एज गुड्स, ये बात बिल्कुल सही है। कंज्यूमर जजमेंट अबाउट द सर्विस टेंड्स टू मोर सब्जेक्टिव होती है, मतलब सर्विस जो है वो थोड़ा सब्जेक्टिव फिनोमिना है, ये बिल्कुल ये सही है। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट अफेक्ट करता है सर्विस की क्वालिटी को, ऐसा होता है क्या, नहीं सर ये चीज़ सही नहीं है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा जी आपका, सी आएगा, कस्टमर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सर्विस की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता। इसके बाद आएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन 104 बोलता है सॉल्यूशन यूज्ड टू मिनिमाइज द मार्केटिंग प्रॉब्लम एट्रीब्यूटेड टू हेट्रोजेनिटी इंक्लूड। सॉल्यूशन यूज, जो आपने सॉल्यूशन को जो है वो क्या किया, इस्तेमाल किया मिनिमाइज करने के लिए मार्केटिंग प्रॉब्लम एट्रीब्यूटेड टू हेट्रोजेनिटी। जो हेट्रोजेनिटी है, एक तो होता है होमोजीनियस जब एक जैसा होता है, हेटरोजेनिटी जब अलग अलग है, तो उसको अगर आपको क्या करना है, दूर करना है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए ये है अगर हेटरोजेनिटी है तो वहां पे आप क्या करो, स्टैंडर्डाइजिंग करो, मतलब सर्विस को क्या कर दो, स्टैंडर्डाइज कर दो भाई, सबको जो है वो इस स्टैंडर्ड की सर्विस हम लोग जो है वो क्या करेंगे प्रोवाइड, जैसे आधा घंटा मान लो हम सर्विस देंगे और इस लेवल की देंगे। तो आंसर जो आएगा 104 का वो क्या, ए। तो सोल्यूशन यूज, ऐसा कौन सा सोल्यूशन है, मतलब क्या आपका समाधान है जिसको आप यूज करोगे मिनिमाइज करने के लिए मार्केटिंग प्रॉब्लम, जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेट्रोजीनिटी, हेट्रोजीनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अब उसको अगर आपने क्या करना है, दूर करना है, तो उसके लिए क्या है जी आपका, उसके लिए कि आप स्टैंडर्डाइजिंग कर दो किसको, सर्विस को। इसके बाद आएगा 105 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। पहला सर्विस परचेज आर परसीव्ड एज रिस्कियर देन द गुड्स परचेज, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि गुड्स अगर परचेज करते हो तो वो टेंजिबल नेचर है, सर्विस आपकी इंटेंजिबल है। दूसरा पार्टिसिपेशन ऑफ द कंज्यूमर इन द सर्विस प्रोसेस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ परसीव्ड रिस्क, अगर कंज्यूमर जो है पार्टिसिपेट करेगा तो उससे जो है परसीव्ड रिस्क आपका बढ़ जाएगा, ये बात सही है, नहीं सर। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, बी, बी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एट्रीब्यूट ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग, इनमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड है किससे, ऑनलाइन मार्केटिंग से। ऑनलाइन मार्केटिंग हेल्प करता है ट्रैक करने में, जी बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो ट्रैकिंग उसमें जो है आप कर सकते हो इजिली, भाई आपका सामान कहाँ तक पहुँचा। दूसरा इट बिल्ड रिलेशनशिप, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड भी करता है, जी बिल्कुल करता है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सी। बाकी ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये देख सकते हो भाई कितने कस्टमर आपके साथ में जो है वो एसोसिएट हुए हैं, ये सब चीज़ें। तो 106 का आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी।
106 के बाद 107 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड, इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं करेंगे एज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से कौन सा जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है वो पार्ट नहीं है। तो टेली मार्केटिंग हो गया, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग हो गया, सब पार्ट है। लेकिन वेब मार्केटिंग जो है इंटरनेट की मदद से जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉग्स डाल दिए या फिर बेसिकली आपने जो है वो क्या किया किसी सोशल साइट के ऊपर जो है वो ऑडियंस को बुक करके और उनको सबको एक जैसा वो भेज दिया, तो ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तो 107 का आएगा ए वेब मार्केटिंग। 107 के बाद 108 डैश इज अ सबसेट, इनमें से कौन सा सबसेट है इसका ई बिजनेस का, जिसका मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर है ट्रांजेक्शन पे, तो वो क्या होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो सबसेट है किसका ई बिजनेस का, जिसका मेन फोकस किस पे ट्रांजेक्शन पे, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा ए। 108 के बाद आएगा जी 109 क्या बोलता है कंपनी एम्फेसाइज, कंपनी जो है वो फोकस करती है ऑन डैश आर डेवलपिंग ग्रीन मार्केटिंग। एक कंपनी जो क्या कर रही है एम्फेसिस कर रही है किसके ऊपर, जो कंपनी क्या करने वाली है डेवलप करने वाली है ग्रीन मार्केटिंग प्रोग्राम, जो डेवलप करेगा इकोलॉजिकल सेफर प्रोडक्ट, रिसाइकल भी करेंगे उनको, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग होगा, मोर एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन होगा एंड बेटर पोल्यूशन कंट्रोल। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो क्या है, यहाँ पे हमारा सस्टेनेबिलिटी विजन है, मतलब हम लोग जो है अपने रिसोर्स को इस तरीके से यूज करेंगे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे रहे और आने वाली जनरेशन को कोई भी उनसे नुकसान ना हो। तो 109 का आएगा ए। 109 के बाद आएगा जी 110 द डैश होल्ड डेट ऑर्गेनाइजेशन टास्क, मतलब इनमें से कौन सी चीज जो है वो बोल रही है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है इज टू डिटरमाइन, वो क्या है डिटरमाइन करना नीड वॉन्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट एंड टू डिलीवर करना डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कंप्यूटर इन ए वे डेट प्रिजर्व द कंज्यूमर एंड द सोसाइटी वेलबींग। तो वो क्या चीज होती है, तो वो है जी आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यही बताता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो है डिटरमाइन करना नीड वॉन्ट इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट का और डिलीवर करना डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली देन द कंप्यूटर इन ए वे दैट प्रिजर्व द कंज्यूमर एंड सोसाइटी वेलबींग, ताकि एक सोसाइटी का वेलबींग किया जा सके, तो वो है आपका सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आगे अंडर विच स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी के अंदर कंपनी विल एंटर द रूरल मार्केट, कंपनी रूरल मार्केट में एंटर होगी विद ए लॉट ऑफ स्केप्टिसिज्म आफ्टर बीइंग सक्सेसफुल इन द अर्बन मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम दे फाइनली डिसाइड टू एंटर द रूरल मार्केट। तो वो होता है मिड एंट्रेंट, मिड एंट्रेंट के अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है, एक बार जब वो अर्बन एरिया के अंदर अगर उसने जो है वो अच्छे से काम कर लिया तो फिर वो रूरल एरिया में भी एंटर कर जाएगी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा मिड एंट्रेंट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी करेक्ट है। सबसे पहला डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन शुड ऑफर एन इंसेंटिव और एंटीसाइटिंग मैसेज टू गेट द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट मार्केटिंग में जो है कस्टमर का रिस्पॉन्ड इजिली जल्दी मिलता है। डायरेक्ट मार्केटिंग एक प्रोसेस है ऑफ डायरेक्टली रीचिंग द मार्केट ऑन ए पर्सनल और मास मीडिया बेसिक, बिल्कुल सही बात है। कॉल टू एक्शन इज नॉट द फीचर डायरेक्ट मार्केटिंग, गलत, ये इसका फीचर होता है। एंड टेली मार्केटिंग एंड द ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग आर द टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, ये भी बिल्कुल सही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1, 2 एंड 4। तो 112 का ए। 112 के बाद में अब आएगा जी 113 बोलता है प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर टू मैक्सिमाइज द लॉयल्टी इज सेड टू बी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है ये क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो क्या करते हैं मैनेज करते हैं इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कस्टमर के बारे में, जिससे हम मैक्सिमाइज करेंगे क्या लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो है पार्ट किसका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। आगे परसेंटेज और द नंबर ऑफ कस्टमर हु मूव फ्रॉम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो कस्टमर जाते हैं, ठीक है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग क्या कन्वर्जन रेट। तो वो परसेंटेज कि एक कस्टमर पहले स्टेज वन पे था, ठीक है, अब वो स्टेज टू पे आ गया, रिपीट कर रहा है मान लो, तो वो क्या है कि उसको बोलते हैं हम लोग क्या कन्वर्जन रेट, कि कस्टमर जो वो क्या हो गए हैं कन्वर्ट, जो पोटेंशियल थे पोटेंशियल से वो क्या बन गया कस्टमर बन गया, तो वो रेट क्या है उस रेट को बोलते हैं हम लोग क्या कन्वर्जन रेट। आगे कस्टमाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस फॉर द कस्टमर एंड इंटरेक्शन टू इंडिविजुअल कस्टमर आर द पार्ट ऑफ कस्टमाइज प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना क्या बोलता है कस्टमाइज प्रोडक्ट, आपने सामान जो है वो कस्टमर के हिसाब से बनाया, ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर से आपने डील किया और आपने कस्टमर के हिसाब से सामान बनाया, कस्टमर के हिसाब से उसको सर्विस दी, तो ये पार्ट है किसका, तो ये जो है वो पार्ट है जी आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। तो 115 का आएगा क्या बी। आगे कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल इज अनदर नेम, कंपनी की जो कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल जो है वो दूसरा नाम है किसका, अगर कंपनी के कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल, इसका मतलब क्या है कंपनी की कस्टमर रिलेशनशिप कैपिटल तब बनती है जब कंपनी के कस्टमर जो है वो कंपनी से क्या हो सेटिस्फाइड, ठीक है, तो ये दूसरा नाम है किसका सेटिस्फाइड कस्टमर का, तो जो सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे वो कंपनी की क्या होती है कोर कैपिटल का काम करती है।
आगे ए पर्सन और कंपनी डेट यील्ड ए रेवेन्यू मोर देन इनकर्ड कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड सर्विंग इस कोर्ट, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है वो क्या होती है, जब कंपनी जो है वो क्या करती है, एक पर्सन और कंपनी जो यील्ड करता है रेवेन्यू मोर, मतलब जो उसका रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट क्या कम है, तो उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो आंसर आएगा ए। आगे डिफरेंस बिटवीन कस्टमर इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड एंड द बेनिफिट इज कॉल्ड, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, तो ये होता है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। तो कस्टमर की जो परसीव वैल्यू है उसको वो डिफरेंस है कस्टमर इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग ऑल कॉस्ट इनकर्ड एंड द बेनिफिट। तो कस्टमर ये देखता है कि मेरा कितनी लागत आ रही है और मुझे क्या मिलेगा, उसके बेस पर कस्टमर ये देखता है कि मुझे ए उस सामान से कितनी वैल्यू मिलने वाली है। तो 118 का आएगा ए। 118 के बाद 119। दिस इज एन अरेंजमेंट इन विच, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर कंपनी आउटसोर्स करती है सम और ऑल ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फंक्शन टू एन एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, नेम डेट अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट का नाम बताओ, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, होस्टेड सीआरएम, जिसके अंदर कंपनी जो है वो क्या करती है आउटसोर्स, मतलब खुद ना करके, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम जो कंपनी को खुद से करना था वो खुद ना करके और वो क्या कर रही है, वो उसके काम को आउटसोर्स कर दे, तो उसको बोलते हैं होस्टेड सीआरएम। आगे जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है इसका, ये किसका गोल होता है, तो जीरो डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गोल है टीक्यूएम का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर हम लोग, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे होता है, जीरो डिफेक्ट पे, सी। आगे अमंग द टूल ऑफ टीक्यूएम, टीक्यूएम के अंदर द टूल ऑर्डिनरली यूज टू एड, जो अपने को मदद करता है क्या करने में, अंडरस्टैंड करने में सीक्वेंस ऑफ द इवेंट थ्रू विच ए प्रोडक्ट ट्रेवल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अपने को मदद करता है जिसके अंदर हम बताएंगे बेसिकली जो है सीक्वेंस बताएंगे इवेंट का, जिस जिस इवेंट से प्रोडक्ट जो है वो होके गुजरेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्लो चार्ट। आगे ए सप्लाई चेन विच इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट एंड सर्विस, एक ऐसा सप्लाई चेन जिसके अंदर हम क्या करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। और वही अगर रॉ मेटेरियल को लेने का काम होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनबाउंड लॉजिस्टिक। आगे व्हाट एडिशनल फैक्टर डज ओवरऑल, कौन सा एडिशनल फैक्टर है जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस टेक इनटू अकाउंट विच मेक्स इट मोर मीनिंगफुल देन एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन, तो वो क्या है, वो है जी आपका फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक एडिशनल फैक्टर है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के अंदर, ठीक है, जो उसको मोर मीनिंगफुल बना देगा देन द एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर आपके। आगे आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सी सही है। सबसे पहले स्टेटमेंट बोलती है सर्विस मार्केटिंग में बी यूज, ध्यान से सुना क्वेश्चन को, क्या बोलता है, बोलता है सर्विस मार्केटिंग में बी यूज टू मार्केट ए सर्विस और प्रोडक्ट। सर्विस मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं मार्केट करने के लिए किसको, मार्केट ए सर्विस और प्रोडक्ट, ये बात जो है वो क्या है जी आपकी, सही है। फिर बोलता है ऑर्गेनाइज एंड द सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर डज नॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, गलत। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वो सर्विस, ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी जनरेट करता है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, ओनली स्टेटमेंट वन जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो 124 का बोले तो वन। आगे स्टेटमेंट दिया डायरेक्ट मार्केटिंग इज ए टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेट सीक टू एलिसिट एन एक्शन, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन है जो जिसमें हम जो है वो इमीडिएट एक्शन चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट टू जो है बोलती है कॉल टू एक्शन इज अ की फैक्टर डायरेक्ट मार्केटिंग का, जी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आएगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है, बोले तो सी। तो 125 का जो है वो क्या हो गया, सी। आगे CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। CRM जो है वो क्या है, CRM एक डेवलपमेंट और मेंटेनेंस है जिसमें हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और मेंटेन करते हैं किसको, ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं कस्टमर के साथ में, जी ये बिल्कुल सही बात है। उसके फिर बोलता है कि CRM इंक्रीज करता है सेल्स थ्रू विच बेटर टाइमिंग ड्यू टू एंटिसिपेटेड नीड्स, ऐसा होता है क्या, जो CRM जो है वो इंक्रीज करता है आपकी सेल को, CRM से सेल तो इंक्रीज होती है थ्रू, जिसके थ्रू बेटर टाइमिंग होती है ड्यू टू एंटिसिपेटेड नीड्स, जी। लेकिन रीजनिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऊपर क्या बोला, CRM क्या है, CRM डेवलप करता है मेंटेनेंस ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करता है और CRM की वजह से सेल इंक्रीज होती है, लेकिन रीजनिंग इसकी ये नहीं है क्योंकि CRM में हम लोग कस्टमर से बेटर रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम करते हैं, उसकी वजह से सेल इंक्रीज होती है। तो आंसर जो 126 का आएगा वो ए आएगा कि ए करेक्ट है, और आर जो एक मिनट को CRM एक डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूचुअल बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग ये CRM इंक्रीज का सेल थ्रू विच जिसके थ्रू बेटर टाइमिंग ड्यू टू एंटिसिपेटेड, हाँ सही है, आंसर ए आएगा इसका। इसका मतलब ये है कि दो
असर्शन करेक्ट है और रीजनिंग करेक्ट एक्सप्रेशन है किसका असर्शन का, क्योंकि सीआरएम जो है वो कैसे बनेगा, सीआरएम बनेगा जब हम जो है वो एंटिसिपेट पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं नीड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है उसको पहले से एंटिसिपेट कर लिया, उसको पहले से हमने जान लिया और फिर उसके हिसाब से कस्टमर को सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ये सही है। तो आंसर 126 का जो है वो आएगा क्या, ए। 126 के बाद 127 जो है वो क्या बोलता है, इजी इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीआरएम। सीआरएम को अगर आपने क्या बनाना है तो उसके लिए क्या इजी इंटरेक्शन होना चाहिए कस्टमर और कंपनी के बीच में। सही बात है। अबंडेंट सप्लाई ऑफ कस्टमर इज नीडेड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सीआरएम। अबंडेंट सप्लाई ऑफ कस्टमर जो है वो जरूरी है सीआरएम को मेंटेन करने के लिए। ये भी सही बात है, लेकिन दोनों बातों को लेना देना नहीं है। तो बोलता है ए करेक्ट है, बट आर जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसको, असर्शन को। तो आंसर आएगा बी। आगे आपको मैचिंग करना है यहां पे। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम किसका, वेरिएबल कॉस्ट का और किसका, फिक्स कॉस्ट का। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कौन सी है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक मिनट को, हाँ जी एक एक करके पढ़ते हैं। स्टोक अवे, स्टोक अवे जो है वो क्या है, ये प्रोडक्ट डायमेंशन है और इंपैक्ट उसका देखते हैं किसके ऊपर, व्हीकल स्पेस यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोक अवे। ठीक है, डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी इनकॉर्पोरेट करता है वेट और स्पेस कंसिडरेशन को, तो बी का आएगा वन। वेरिएबल कॉस्ट जो कॉस्ट चेंज होती है सर्विस के साथ में उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट जो कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द सर्विस और वॉल्यूम, तो डी का आएगा टू। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ई। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट एन एग्जाम्पल द डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा मोड नहीं है किसका, डायरेक्ट एंड डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मोड नहीं है, वो है जी आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक तरीका नहीं है किसका, डायरेक्ट मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि वो तो इनडायरेक्ट हो गया आपका। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर आस्पेक्ट डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मेजर आस्पेक्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है वो कौन सा, जुरिस्डिक्शन है, ओनरशिप है, सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, ये जो है वो मेजर एस्पेक्ट नहीं है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। आंसर आएगा डी। एक मिनट रुकना, 130 का, हाँ सही है ये। आगे 131, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्टिंग टू ए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, इन द कोर्स ऑफ कन्वर्टिंग टू ए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी, ए कंपनी में फेस विच द फॉलोइंग हर्डल। कंपनी जो है वो किस किस हर्डल को फेस करती है, अगर कोई कंपनी जो है अपने आपको कन्वर्ट करिए मार्केटिंग ओरिएंटेड कंपनी में, तो कंपनी क्या क्या हर्डल जो है फेस करती है। पहला तो ऑर्गेनाइज्ड रेसिस्टेंस, सभी लोग मना करेंगे। दूसरा स्लो लर्निंग होगा, और तीसरा जल्दी जल्दी भूल भी जाएंगे। तो आंसर आएगा डी, ये सब जो है प्रॉब्लम है जिसको कंपनी जो है वो क्या करती है, फेस करेगी। तो 131 का जो है वो आएगा डी। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इज मोस्ट एक्सपेंसिव। इनमें से कौन सी स्टेज जो है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की वो सबसे क्या है, एक्सपेंसिव है, आपको ये बताना है। तो वो है जी आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन की जो स्टेज है सबसे एक्सपेंसिव है, कि अलग अलग तरह से प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स को लगा के डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस हो जाएगा, रिसर्च प्लान भी आप बना सकते हो, रिपोर्ट भी बना सकते हो, लेकिन डेटा का कलेक्शन करना वो सबसे एक्सपेंसिव स्टेज है इन चारों में से। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला बोलते हैं एक फर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फर्म का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है इज ए कंपोनेंट ऑफ द ऑफ इट्स मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का, वो मतलब फर्म का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है क्या वो मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम का आपका फंक्शन है, वो है कंपोनेंट है क्या, नहीं सर ये बात तो आपकी गलत है। दूसरा, फर्म का मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम उसका कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। दूसरा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है मार्केटिंग रिसर्च कंडक्टेड इज इन मोस्ट ऑफ द फर्म आर द मेजरमेंट ऑफ द मार्केट पोटेंशियल। इसके अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं मार्केट पोटेंशियल को एंड एनालाइज करते हैं मार्केट शेयर को, हाँ ये भी बिल्कुल सही फीचर है इसका। तीसरा, सर्वे रिसर्च इज सेल्डम यूज फॉर स्टडिंग द कस्टमर परसेप्शन एंड एटीट्यूड। कस्टमर परसेप्शन एटीट्यूड को निकालने के लिए क्या आप कभी कभार इस्तेमाल करते हो सर्वे रिसर्च को, सर इसी को हम मेनली यूज करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉग्निटिव डिसोनेंस इज रेलिवेंट टू स्टडी द कंज्यूमर पोस्ट परचेस बिहेवियर। ये बिल्कुल सही है, कंज्यूमर का परचेस करने के बाद उसका बिहेवियर कैसे, तो उसको नापने के लिए हम लोग इसको लेके आते हैं। तो आंसर क्या है कि आपका सेकेंड और जो फोर्थ है वो क्या है, करेक्ट है। तो बोले तो बोथ स्टेटमेंट्स 2 and 4 आर ट्रू एंड रेस्ट आर फॉल्स। आंसर आएगा डी इसका। आगे 134 जो है वो क्या बोलते हैं, देखें बोलता है डेटाबेस असिस्ट, डेटाबेस जो आपको मदद करता है इन मार्केटिंग सेगमेंटेशन में, स्पेशली बिहेवियर सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग द लॉयल्टी सेगमेंट। ध्यान से सुना, असर्शन क्या बोलती है कि डेटाबेस जो है वो आपको सहायता करता है
जो डेटाबेस आपके पास मेंटेन आपने किया हुआ है कस्टमर्स का, वो आपको सहायता करेगा मार्केट सेगमेंटेशन करने में, स्पेशली बिहेवियर सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग द लॉयल्टी सेगमेंट। बिल्कुल सही बात है, डेटाबेस है उसी के बेस पर आप करते हो। फिर बोलता है CRM डेटाबेस हैव बिकम एन एसेट्स, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो डेटाबेस है वो कंपनी की एसेट है फॉर एनालाइज ऑफ द कस्टमर बिहेवियर। जी ये भी बिल्कुल सही है, उसी कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, उसी के बेस पर फिर आप यहां पे जो है वो क्या करते हो मार्केट का सेगमेंटेशन। तो दोनों बातें जो है वो क्या है करेक्ट है, और रीजन जो है वो राइट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो आंसर आएगा ए। आगे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो बोलती है ए वेल चूजन मार्केटिंग चैनल मस्ट बी अलाइन टू कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी विद रिस्पेक्ट टू सेगमेंटेशन टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। बिल्कुल सही बात है, एक अच्छा जो मार्केटिंग चैनल है वो यही होता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो एक अच्छे मार्केटिंग चैनल को हम लोग जो है वो जोड़ते हैं किसके साथ में, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग STP। फिर दूसरी जो है स्टेटमेंट वो ये बोलती है मार्केटिंग चैनल आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ कंजम्पशन। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो आंसर जो है वो क्या आएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे टू एग्जामिन करने के लिए वेदर द कंपनी इज परसुइंग इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्रोडक्ट एंड चैनल इज द पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल। ये किसका पार्ट है, ये स्ट्रेटजी कंट्रोल का। एग्जामिन करने के लिए कि क्या कंपनी जो है वो परस्यू कर रही है बेस्ट अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट प्रोडक्ट एंड चैनल इन द पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कंट्रोल। तो ये होता है आपका स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक कंट्रोल के लिए हम ये चेक करते हैं। आगे मैचिंग करना आपको यहां पर बेसिकली, ठीक है आओ जी एक एक करके मैच करते हैं इनको। सबसे पहला द इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल रीजनल सप्लायर, जो सोल्ड करते हैं गुड्स ऑन द लोकल बेसिस, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। आगे स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट द नेशनल लेवल, तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग, जब स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडेड गुड्स जो है स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड गुड्स वो सोल्ड होते हैं नेशनल लेवल पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या मास मार्केटिंग। एक जैसी गुड्स जब पूरे नेशनल लेवल पे एक ही गुड्स को बेच रहे हैं तो वो मास मार्केटिंग। एरा ऑफ द मार्केट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड द लाइफ स्टाइल फैक्टर, तो ये है क्या, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में ही हम लोग ये करते हैं डेमोग्राफिक सोशियो इकोनॉमिक या लाइफ स्टाइल फैक्टर के बेस पर हम लोग जो है पूरी मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। और फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन द एरिया ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ करता मार्केटर को कि वो कम्युनिकेट करे विद द इंडिविजुअल कस्टमर और वेरी स्मॉल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेशन। तो डी का आएगा टू, तो आंसर जो बनेगा इसका दैट इज द बी 4132। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 7P, इनमें से कौन सा 7P के अंदर जो है जो बूम से बिटनेस 7P का जो प्रोसेस दिया था उसके अंदर इसको इंक्लूड नहीं कर। 7P में ऊपर वाले 4P तो आते हैं प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस और उसके अलावा तीन होते हैं वो क्या प्रोसेस पीपल एंड फिजिकल एविडेंस, तो पॉलिटिक्स जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो है 138 का वो आएगा डी 138 के बाद 139। ये क्या बोलता है जी बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग दैट यूज द एडवर्टाइजिंग टू कॉन्टेक्ट कंज्यूमर हु इन टर्न परचेज प्रोडक्ट विदाउट विजिटिंग रिटेल स्टोर, इसको डायरेक्ट सेलिंग, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, नहीं सर ये गलत है। दूसरा ए फॉर्म ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इन विच जहां पे पर्सनल कॉन्टेक्ट बिटवीन सेलर एंड अकर अवे फ्रॉम ए रिटेल स्टोर, इसको डायरेक्ट मार्केटिंग, नहीं सर ये भी उस डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये आएगा जी आपका आंसर जो है 139 का वो आएगा जी क्या दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या नोट करेक्ट, बोले तो डी उल्टी दे दी है। आगे अब जो आपका कस्टमर की जो आप वैल्यू के बेस पर उनका हायरार्की बनाते हो, ठीक है उसके अंदर ये बोलता है 34% ऑफ द कस्टमर जो फॉल होते हैं इन वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ डेलिब्रेट कस्टमर टू एक्सेप्ट एन इनोवेशन, जो इनोवेशन को एक्सेप्ट करते हैं जस्ट बिफोर द एवरेज एडोप्टर इन ए सोशल सिस्टम, उनको हम क्या बोलते हैं, तो ये जो कस्टमर होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्या अर्ली एडोप्टर, तो ये होते हैं अर्ली एडोप्टर। वो पांच होते हैं ना, सबसे पहले आएगा आपका इनोवेटर, फिर आएगा अर्ली एडोप्टर, फिर आएगा लेट अर्ली मेजोरिटी, फिर आएगा लेट मेजोरिटी और फिर आएगा लगाट्स। तो लगाट्स सबसे आखिरी वाले होते हैं, ये सेकंड होते हैं। आगे व्हेन ए कंपनी ट्रीट ईच सिंगल कस्टमर एज ए सेपरेट सेगमेंट, जब एक कंपनी जो है वो हर सिंगल कस्टमर को एक सेपरेट सेगमेंट के तौर पर ट्रीट करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो मार्केटिंग डी।
आगे ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस दैट इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म इज नोन एज, उसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या ट्रेड डिस्काउंट भी, और उसको बोलते हैं हम लोग क्या फंक्शनल डिस्काउंट। तो आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी ये क्या है, बेसिकली रिडक्शन है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस, जब आपका लिस्ट प्राइस जो क्या रिड्यूस हो जाएगा दैट इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू बायर इन पेमेंट फॉर मार्केटिंग फंक्शन, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट या फिर क्या फंक्शनल डिस्काउंट। इनकी वजह से कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। आगे व्हेन वॉल्ट डिज्नी डिज्नी वर्ल्ड, जब डिज्नी वर्ल्ड जो है वो कंज्यूमर को एक विजिट दे रहा है, फेरी किंगडम, ए पायरेट शिप जो है वो दिखा रहा है, और ए हॉन्टेड हाउस जो है वो दिखा रहा है, देन व्हाट इज द मार्केट इन दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में जो है डिज्नी वर्ल्ड ने क्या दिया, क्या कोई सामान दिया, नहीं, डिज्नी वर्ल्ड ने उनको दिया है जी क्या एक्सपीरियंस। तो 143 का जो है वो आएगा क्या सी, मतलब किन किन चीजों की मार्केटिंग होती है वो उसके अंदर ये दे रखा है आपका एक्सपीरियंस। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द वेल्स फ्रेमवर्क, वेल्स का होता है वैल्यू एंड लाइफस्टाइल फ्रेमवर्क और द साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी सही है। तो पहला द कंज्यूमर हु आर प्राइमली मोटिवेटेड बाय द आइडियल्स आर गाइडेड बाय द नॉलेज एंड प्रिंसिपल, जी यही स्टेटमेंट बिल्कुल पहले वाली सही है कि कंज्यूमर जो प्राइमरी मोटिवेट होते हैं किससे, आइडियल से, एंड गाइडेड बाय द नॉलेज एंड प्रिंसिपल, तो यही तो है वैल्यू एंड लाइफस्टाइल। तो 144 का जो है वो आंसर आएगा क्या ए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर, ये बोलता है कि इनमें से कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट टू सर्व ऑल पोटेंशियल कस्टमर, अगर आप जो है वो सभी पोटेंशियल कस्टमर को सर्व करना चाहते हैं तो सबसे मोस्ट लाइकली रिजल्ट जो उसका क्या निकल जाएगा, तो उसका रिजल्ट ये निकल गया आता है, मतलब एक बात बोली जाती है कि नॉट ऑल कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, कि सारे कस्टमर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर आएगा डी नन। अगर आप सभी को मतलब कवर करना चाहते हो तो वहां पे एक बात ध्यान रखें, सभी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। चलो आगे व्हेन द कंज्यूमर फेवर दोस प्रोडक्ट, जब कंज्यूमर ऐसे सामान को फेवर करता है विच ऑफर द मोस्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस और द इनोवेटिव फीचर देन इट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे ए पर्सन डिस्टिंग्विश्ड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट लेड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग द रिस्पॉन्स टू हिज और हर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सन ए पर्सन डिस्टिंग्विश है, अलग है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर दैट लेड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग रिस्पॉन्स टू हिज और हर एनवायरमेंट, वो है उसकी पर्सनैलिटी। आगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, किस टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में वन पार्टी गेन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, एक पार्टी गेन करती है और दूसरी पार्टी जो है वो क्या दूसरी पार्टी का नुकसान होता है, तो वो होता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर ए, इसमें एक का फायदा है दूसरे का नुकसान। बोलता है दिस सर्विस मार्केटिंग मिक्स इज एन एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स है एंड इट इंक्लूड, सर्विस मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो है वो क्या क्या आएगा, पीपल आएगा, प्रोसेस आएगा, फिजिकल एविडेंस आएगा, लेकिन सर्विस इसका पार्ट, सर्विस मार्केटिंग मिक्स में सर्विस जो है इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर जो आएगा 1, 2 and 4 बोलते सी। आगे 150 जो है क्या बोलता है एक कॉमन मार्केट कौन सी है, एक कॉमन मार्केट इज वन वेयर, कॉमन मार्केट कौन सी है, कॉमन मार्केट वो है वेयर देयर इज ए कस्टम यूनियन, जहां पे क्या है कस्टम यूनियन है, कॉमन मार्केट में क्या आएगा कस्टम यूनियन तो आएगा, प्लस में क्या आएगा फ्री इंट्रा यूनियन मूवमेंट होगा किसका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो आंसर जो है वो क्या आएगा सी। आगे Which of the following can be used by a company as communication mix? इनमें से कौन सा जो है जिसको कंपनी यूज करती है एज ए कम्युनिकेशन मिक्स टू रीच द टारगेट कस्टमर, टारगेट कस्टमर को क्या करना है अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना है, तो आप किन कम्युनिकेशन मिक्स को लेके चलते हो बेसिकली, मतलब टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए, एडवर्टाइजिंग को लेके चलते हो जी, सेल्स प्रमोशन को येस, इवेंट एक्सपीरियंस को येस, पब्लिक रिलेशन को येस, डायरेक्ट मार्केटिंग को येस, पर्सनल सेलिंग को येस, आंसर जो है वो आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। इन सभी टेक्निक को हम लोग जो है वो क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं क्या करने में, टारगेट कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो 151 का जो है वो आएगा डी। आगे ए मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, मार्केट नेटवर्क के अंदर जो है वो क्या आएगा, ए मार्केट नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर आएगा कंपनी भी आएगा और उसके सपोर्टिंग स्टेक होल्डर भी आएंगे विद हुम, जिनके साथ में इट हैज बिल्ट म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप, तो जो आपका मार्केटिंग नेटवर्क है उसके अंदर सब लोग आते हैं, कंपनी भी आती है और साथ में कंपनी के सपोर्टिंग स्टेक होल्डर भी आते हैं जिनके साथ में हमारा म्यूचुअली प्रॉफिटेबल बिजनेस रिलेशनशिप होता है, तो आंसर आएगा 152 का डी। 152 के बाद 153 बोलता है टारगेट मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, टारगेट मार्केटिंग के अंदर जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी आएगी, टारगेट मार्केटिंग के अंदर जो है वो आएगा टारगेट पोजिशनिंग जी आता है, मार्केट पोजिशनिंग, मार्केट टारगेटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, एसटीपी आता है, मार्केट बिहेवियर इसका पार्ट नहीं है, तो आंसर आएगा 1, 2 and 4 बोल तो सी। 153 का सी।
ब्लैक बॉक्स मॉडल इन मार्केटिंग वो किससे रिलेटेड है? तो ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है मार्केटिंग का वो जुड़ा हुआ है किससे? कंज्यूमर बिहेवियर से। डी। आगे आइटम्स कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट डू नॉट इंक्लूड। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर कौन सी आइटम जो है वो नहीं आती है? तो इसके अंदर गारंटी आएगा, वारंटी आएगा, कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट, ये सबसे जो है वो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो ऑगमेंट हो जाएगा और भी उसके अंदर क्वालिटी बढ़ जाएगी, लेकिन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन है डी। आगे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कंप्राइज, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो क्या आता है? तो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम का मतलब होता है टू और मोर अनरिलेटेड कंपनी पुट टुगेदर, एक साथ आएंगी, ठीक है, रिसोर्स टू एक्सप्लोर एन इमर्जिंग मार्केट। तो आंसर आएगा डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से कौन सा डायरेक्ट मार्केटिंग का जो है वो पार्ट नहीं है? तो ईमेल नॉट ए टाइप ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग आएगा, रिटेल मार्केटिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं है। तो आपका 157 का आएगा बी। टेली मार्केटिंग, ईमेल, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब पार्ट है, रिटेल मार्केटिंग इसका पार्ट नहीं है। आगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट इज ऑल्सो नोन एज, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग प्लानिंग। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ सेगमेंटिंग ए मार्केट, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है मार्केट को सेगमेंट करने का? तो बिहेवियर के बेस पर सेगमेंटेशन होता है, साइकोग्राफी के बेस पर होता है, बेनिफिट के बेस पर होता है, लेकिन कस्टमर सेगमेंटेशन इसका पार्ट नहीं है। डी। इसके बेस पर कोई सेगमेंट नहीं होता क्योंकि करेक्टरिस्टिक के बेस पर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर कंपोनेंट ऑफ होलिस्टिक मार्केट, इनमें से कौन सा जो है मेजर कंपोनेंट नहीं है होलिस्टिक मार्केटिंग का? तो रिलेशनशिप मार्केट, रिलेशनशिप मार्केटिंग आता है, दूसरा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग ये भी आता है। तो आंसर आएगा सी। ये सब करके हम लोग होलिस्टिक मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन करने का काम करते हैं। तो ए बी और डी ये इसका पार्ट लेंगे, सी इसका होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर नहीं आएगा। होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है कि एवरीथिंग मैटर, ठीक है ना। आगे विच ऑफ द लेजिस्लेशन, इनमें से कौन सा लेजिस्लेशन लिस्टेड बिलो डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मार्केटिंग एनवायरमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा नहीं पार्ट नहीं है मार्केटिंग एनवायरमेंट ऑफ इंडिया का? तो वो है जी आपका डी, बी और सी, ये दोनों जो है वो मार्केटिंग एनवायरमेंट का जो है वो पार्ट नहीं है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है इसका पार्ट है, ये प्रीवियस का क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना भाई। आगे इन द मॉडल ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय द फिलिप कोटलर व्हाट कंसीडर द मार्केटिंग स्टिमुली, मार्केट स्टिमुली क्या होती है? तो मार्केटिंग स्टिमुली जो है वो है आपके 4P, 4P ऑफ मार्केटिंग। बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोसेस एंड एक्टिविटी डेट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस, तो वो क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन है डी। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो है वो यही देखते हैं। तो बोलता है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड है डेवलपमेंट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोसेस एक्टिविटी डेट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंस, जो ये बोलते हैं कि सभी चीजें एक दूसरे से क्या अटैच्ड है, तो वो है कौन सा, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। The concept of the marketing mix consists of the 4P जो है वो किसने डेवलप किया था? तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया किसने, जीरो मैकार्थी ने। आगे इन मार्केटिंग मिक्स 4P जो है कौन कौन से हैं? तो 4P मार्केटिंग मिक्स में है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ए। विच सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अगर कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आपने जो है वो स्टडी करना है तो उसके लिए क्या चीज रेलिवेंट है? इकोनॉमिक्स रेलिवेंट है, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कंज्यूमर कैसे अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने अनलिमिटेड नीड्स को, अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं विद द लिमिटेड रिसोर्स। साइकोलॉजी भी, कंज्यूमर की साइकोलॉजी जानना जरूरी है, सोशियोलॉजी सोसाइटी का क्या रवैया वो भी जानना जरूरी है। तो आंसर आएगा डी। ये सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए। आगे विच रिसर्च इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिसर्च इन टू ह्यूमन, कौन सी ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर आएगी सभी तरह की रिसर्च इन टू ह्यूमन मोटिव, वेन इट रेफर टू क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन टू अनकवर द कंज्यूमर सबकॉन्शियसनेस और द हिडन मोटिवेशन, तो वो कौन सी है? वो है जी आपकी मोटिवेशन रिसर्च, इसके अंदर आएगा। इट इंक्लूड ऑल, इसमें मोटिवेशन रिसर्च में सभी तरह की रिसर्च आ जाएंगी, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन की जाएगी अनकवर करने के लिए कंज्यूमर के अंदर छुपी हुई क्या, हिडन मोटिवेशन को, तो उसको बोलते हैं रिसर्च। आगे विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्फ, सुपीरियर प्रोडक्ट अगर सामान में अच्छा फीचर होगा तो वो अपने आप ही बिक जाएगा, तो ये अजम्पशन किसकी है, ये है आपके प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि वही सामान मार्केट में सेल होगा जिसके अंदर जो है वो क्या होंगे, फीचर होंगे, अच्छे फीचर होंगे। आगे मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सेगमेंटेशन।
जब मार्केट को डिवाइड करते हैं उनके करेक्टरिस्टिक के बेस पर उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी जो बात है वो क्या है इनकरेक्ट है वो आपको बतानी है। तो मार्केटियर अरोज इमोशनल मोटिव, मार्केटियर जो है इमोशनल मोटिव जगाता है, जी जगाता है। मार्केटियर जो है वो सेटिस्फाई करता है रैशनल मोटिव को, जी करता है। मार्केटियर फॉर्मेट करता है डिफरेंट सेल्स प्रमोशन फॉर द डिफरेंट मोटिव, जी ये भी करता है। तो आंसर रहेगा डी, नन, सारी की सारी बातें करेक्ट हैं। आगे नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड, जो नॉन स्टोर मार्केटिंग है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर ये सब आता है, होम सेलिंग, वीपीपी, वेंडिंग मशीन, ये सब जो है वो किसका पार्ट है आपके नॉन स्टोर मार्केटिंग का। आंसर आएगा डी। आगे व्हाट इज कंज्यूमर डिलाइट, कंज्यूमर डिलाइट जो है वो क्या होती है, कंज्यूमर डिलाइट वो जब परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है तो कंज्यूमर क्या होगा डिलाइट होगा। अगर परफॉर्मेंस इक्वल एक्सपेक्टेशन तो कंज्यूमर वहां पे सेटिस्फाई होगा। और डिलाइट कब होगा, ज्यादा खुश हो, ज्यादा राजी कब होगा, जब परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेशन से क्या है ज्यादा। तो 172 का आएगा सी। आगे विच टर्म आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली इन द मार्केटिंग लिटरेचर, किस टर्म को हम लोग जो है मार्केटिंग लिटरेचर के अंदर जो है वो क्या करते हैं यूज करते हैं। तो वो है जी आपका कौन सा, ओरिएंट मार्केटिंग के ओरिएंटेशन, मार्केटिंग की कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग की फिलोसफी, ये दूसरे, ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे से क्या है इंटर रिलेटेड है, मतलब ये इनको हम जो है इंटरचेंजेबल है। कभी हम मार्केटिंग ओरिएंटेशन बोल देते हैं, कभी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, कभी मार्केटिंग फिलोसफी। तो आंसर आएगा सी। इसके बाद 74 और 75 काट दो, ये क्वेश्चन आपके काम के नहीं है, ये बैंकिंग के थे, गलती से इसमें डल गए। आगे व्हाट इज मास मार्केटिंग, मास मार्केटिंग जो है वो क्या है, मास मार्केटिंग का मतलब है ऑफर द सेम प्रोडक्ट, एक सेम सामान एंड मार्केटिंग मिक्स लेके आना सभी कस्टमर के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या मास मार्केटिंग। तो 176 का आएगा ए। आगे इन ब्रॉडर सेंस मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंक्लूड, बोलता है ब्रॉडर सेंस के अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर क्या आएगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आता है, आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो करते हो सामान की भी करते हो, प्लेस की भी, प्राइस की। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव डी। आगे व्हाट इज रेलिवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज रेलिवेंट टू प्लेस, रेलिवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो ये क्या है, वो है आपका जो प्लेस के रिगार्डिंग, मतलब डिलीवरी के रिगार्डिंग, वो है सेल्स पर्सनल मोटिवेशन, ये जरूरी है। तो आंसर आएगा सी। तो अगर मान लो हम बात डिलीवरी की करें तो उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या आपको प्रोवाइड करता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, बोलते हैं सी। अब हम जो है वो बात करें क्वेश्चन नंबर 180 का, तो 180 बोलता है डैश इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दी कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आइडिया, गुड्स एंड सर्विस टू क्रिएट द एक्सचेंज डेट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, ये मार्केटिंग डेफिनेशन है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्रिएट करते हैं कस्टमर वैल्यू, ठीक है, क्रिएट एक्सचेंज करते हैं कस्टमर वैल्यू जो सेटिस्फाई करते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, मतलब कस्टमर के और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है अकॉम्प्लिश हो जाएं, तो उसके लिए वो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग क्या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो 180 का आएगा ए। 180 के बाद आएगा 181। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है मार्केटिंग का वो क्या है, मार्केटिंग का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है डिस्कवर द नीड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उनकी नीड को क्या करना, अराइज करना और उसको डिस्कवर करना। तो 181 का आएगा बी। आगे अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग व्हाट नीड एंड वॉन्ट आर गुड फॉर कस्टमर इन द लॉन्ग रन। तो ये क्या है, वो है ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करती है कि कौन से नीड और वॉन्ट जो है कंज्यूमर के लिए जो है कंज्यूमर के लॉन्ग रन के अंदर हम लोग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन डिसाइड करने में व्हाट नीड एंड वॉन्ट आर गुड, कौन सी नीड और वॉन्ट गुड है फॉर कंज्यूमर के लिए इन द लॉन्ग रन, वो है ऑर्गेनाइजेशन खुद, ऑर्गेनाइजेशन खुद से डिसाइड करती है कि कौन कौन सा सामान कस्टमर तक पहुंचाएं जो उसके लिए वेलबींग के लिए भी ठीक हो, मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करते हैं सबसे पहले। इसके बाद आएगा ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्राइव टू अल्टर एडोप्ट एंड डेवलप द देयर प्रोडक्ट टू कीप पेस विद एवर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिजायर, दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर। ये किसका फीचर है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है जी किसका, प्रोडक्शन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यही तो करते हैं कि हम कस्टमर के हिसाब से सामान को जो है वो बनाने का काम करते हैं, और कस्टमर की जो प्रेफरेंस है उस कस्टमर की अगर प्रेफरेंस चेंज हो रही है हम भी अपने सामान को क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो 183 का जो है वो आएगा जी ए। 183 के बाद 184 मार्केटिंग डील्स विद, मार्केटिंग जो है डील्स विद आइडेंटिफाई, मार्केटिंग डील्स विद आइडेंटिफाई एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड। 184 का ए।
आगे द डैश इज द आइडिया डेट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सीक टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर व्हाइल आल्सो ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो वो क्या है, वो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक आइडिया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है द वांट ऑफ द कंज्यूमर व्हाइल आल्सो ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. कंज्यूमर की वांट को भी सेटिस्फाई करना है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी अचीव करना है. तो 185 का सी. 185 के बाद 186. इन मार्केटिंग सेलिंग एंड बाइंग वुड बी कॉल्ड, सेलिंग और मार्केटिंग को जो है वो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सचेंज फंक्शन. मार्केटिंग में सेलिंग और बाइंग एक्सचेंज फंक्शन का पार्ट है. आगे द नीड और वॉन्ट फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकम्स ए डिमांड. नीड और वॉन्ट जो है वो डिमांड बनती है. कब कब होता है ऐसा, व्हेन इट इज बैक्ड बाय द बाइंग पावर. तो आंसर आएगा बी. अगर सामान को आपको सामान चाहिए वो तो आपकी नीड है, डिजायर है. अगर उसको परचेस करने के आपके पैसा भी है तो वो क्या बन जाएगी, डिमांड बन जाएगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व ए डेलिब्रेट एंड केयरफुल चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड प्लेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज. आंसर आएगा ए. तो मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व, मार्केटिंग मिक्स में क्या आएगा, डेलिब्रेट एंड केयरफुल चॉइस करना ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोडक्ट का, प्राइस का, प्रमोशन का, प्लेस स्ट्रेटजी का एंड पॉलिसीज का. तो आंसर आएगा 188 का ए. आगे डैश रिड्यूस द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस ऑन टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस. तो जो टेम्परेरी बेसिस पे जब हमारे सामान की डिमांड को हम खुद ही जो है रिड्यूस करने का काम करें उसको बोलते हैं डी मार्केटिंग. सी ग्रेडिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ग्रेडिंग जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन द फंक्शन ऑफ. ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट किसके लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. तो जब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आप ग्रेडिंग करवा देते. ग्रेडिंग जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन द फंक्शन ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन. आगे डैश अकर व्हेन ए मार्केटर इज एक्सेसिवली प्री ऑक्युपाइड विद प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एंड इग्नोर द कस्टमर नीड. जब एक मार्केटर पूरी तरह से जो है वो सामान के ऊपर फोकस करता है और वो भूल जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है, मतलब वो इग्नोर कर दे कस्टमर की नीड को, वॉन्ट को एंड इंटरेस्ट को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया. तो 191 का जो है वो आएगा क्या, सी मार्केटिंग मायोपिया. थियोडोर लेविट ने इसको दिया था, ध्यान रखना. आगे डैश इज और आर द वे ऑफ ओवरकम द मार्केटिंग मायोपिया. मार्केटिंग मायोपिया को अगर आपने ओवरकम करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको बी कस्टमर लेड नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड. आपको कस्टमर ओरिएंटेड बनना है, जी. मार्केट ओरिएंटेशन शुड बी परमिटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जी. मैनेजर नीड टू बी प्रोएक्टिव होना चाहिए, विजनरी होना चाहिए, यस. तो आंसर आएगा डी. ये सब काम करके आप जो है मार्केटिंग मायोपिया की प्रॉब्लम को जो है वो दूर कर सकते हो. आगे गुड्स परचेज बाय इंडिविजुअल फॉर देयर ओन पर्सनल यूज रादर देन फॉर बिजनेस और इंडस्ट्रियल यूज इज कॉल्ड. अगर गुड्स जो है वो परचेज करे इंडिविजुअल ने अपने पर्सनल यूज के लिए ना कि बिजनेस या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो है जी आपकी कौन सी, कंज्यूमर गुड्स, जो आप खुद के लिए परचेज करते हो. आगे डैश प्लेस द कस्टमर एट द बिगनिंग एज वेल एज द एंड ऑफ द बिजनेस साइकिल बी ब्राइट इट्स प्रेजेंट पॉलिसी शुड बी कंटिन्यू. तो वो क्या है, वो है जी आपका क्या, प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस मतलब फोरकास्टिंग. इसके अंदर हम कस्टमर को पहले स्थान पर रखते हैं और आखिरी में भी. सबसे पहले देखते हैं कस्टमर की नीड क्या है और लास्ट में देखते हैं क्या कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हुई है या नहीं. तो आंसर आएगा प्रोग्नोसिस बी. आगे डैश इंडिकेट डैट इफ कंपनी फ्यूचर सीम्स टू बी ब्राइट इट्स प्रेजेंट पॉलिसी शुड बी कंटिन्यू. मतलब ये कौन सी ऐसी चीज है वो ये बोल, जो ये बोलता है, मतलब कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर कंपनी का फ्यूचर सीम्स टू बी ब्राइट, अगर वो ब्राइट दिख रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट पॉलिसी शुड बी कंटिन्यू. तो उसकी प्रेजेंट पॉलिसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए. तो वो है प्रोग्नोसिस, फोरकास्टिंग. आगे डैश सजेस्ट हाउ टू यूज अ कंपनी स्ट्रेटजी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. क्या चीज अपने को मदद करती है कि हम कैसे यूज करेंगे कंपनी की स्ट्रेटजी को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, वो है टैक्टिक. टैक्टिक्स अपने को मदद करती है, जो अपने को सजेस्ट करता है कि किस तरीके से हम जो है वो यूज करेंगे कंपनी की स्ट्रेटजी को टू अचीव कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए. आगे कस्टमर ओरिएंटेशन इज, कस्टमर ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, तो कस्टमर ओरिएंटेशन इज क्रिटिकल. कस्टमर ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, क्रिटिकल है टू द, किसके लिए, टू द डेवलपमेंट एंड समवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द फोरसाइट टू सी डेट देयर आर, डेट देयर आर कमर्शियल प्रोस्पेक्ट फॉर व्हाट हैज बीन डेवलप. कि जो भी चीज हमने बनाई है उसका कमर्शियल एस्पेक्ट है, मतलब उसको हम जो है वो मार्केट के अंदर सेल भी कर सकते हैं. तो 197 का आएगा क्या, बी ऑप्शन. 197 के बाद 198. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द कंपनी डिटरमाइन विच मार्केट इट वॉन्ट टू एंटर, दिस इज नोन एज. तो जब कंपनी ये डिटरमाइन करती है कि किस मार्केट में एंटर करना है, तो वो है जी आपका क्या, उसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन. हम ये देखते हैं कि किस मार्केट में अपने को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वहां पे हम एंटर होंगे.
आगे डैश असेस, ये कॉन्सेप्ट है जो असेस करता है वेदर द मार्केटिंग की क्या मार्केटिंग की पॉलिसी प्रोग्राम सिस्टम एंड मेथड जो एस्टेब्लिश किए इन द डिस्टेंस पाथ आर वैलिड फॉर टुडे कि क्या वो आज भी वैलिड है या नहीं है। तो वो है मार्केटिंग ऑडिट, जो हमने सोचा था क्या वो स्ट्रेटजी हमने मेंटेन की थी क्या वो आज चल रही है नहीं चल रही है, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑडिट। और क्वेश्चन नंबर 200 जो वो क्या बोलता है, ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा द स्टेटमेंट दैट बेस्ट एक्सप्रेस द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, वो है कि कीप द कंज्यूमर फॉरमोस्ट, कंज्यूमर को हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मार्केटिंग का बेसिक आइडिया होता है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक आइडिया ये है, ये कस्टमर ओरिएंटेड होता है या कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। तो आंसर आएगा 200 का डी। लो जी 200 तो हो गए, अब आते हैं हमारे 201 पे। तो 201 का क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, 201 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर के अंदर जो है लगाना है। तो मार्केटिंग, ये मार्केटिंग के एलिमेंट है, सबसे पहले क्या होता है मार्केटिंग रिसर्च, फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर प्लानिंग और फिर टैक्टिक। तो आंसर आएगा बी। फिर मार्केटिंग कैन बी व्यू एज एन एक्टिविटी डेट टेक द बेसिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट एड वैल्यू टू इट एंड मेक इट अट्रैक्टिव टारगेट सेगमेंट ऑफ द बाइंग पॉपुलेशन। दिस वैल्यू एडिड एक्टिविटी कैन बी, इस वैल्यू एडिड एक्टिविटी को जो है वो कौन कौन सी ऐसी वैल्यू एडिड एक्टिविटी है सामान के अंदर जो कस्टमर का मतलब जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो वो है जी ब्रांड, कस्टमर की कस्टमर सर्विस, पैकेजिंग, ये सब वो वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। तो मार्केटिंग जो मतलब कस्टमर ओरिएंटेड, ये सब कस्टमर ओरिएंटेड वैल्यू एडिड एक्टिविटी है सारी, ध्यान रखना। तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, क्वेश्चन क्या बोलता है, मार्केटिंग कैन बी व्यू, मार्केटिंग को देखा जाता है ये एक ऐसी एक्टिविटी है डेट टेक द बेसिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग जो है बेसिक फिजिकल करेक्टरिस्टिक लेंगे प्रोडक्ट के, एड करेंगे उसके अंदर वैल्यू और मेक करेंगे अट्रैक्टिव टारगेट सेगमेंट को ऑफ द बाइंग पॉपुलेशन। तो ये दिस वैल्यू एडिड एक्टिविटी कुड बी, ये वैल्यू ये अगर ऐसा कुछ करना है आपने, ठीक है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करोगे। हम ये सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड को, कस्टमर सर्विस को, पैकेजिंग को, इनके थ्रू हम कस्टमर को जो है वो बेटर वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकस करती है ओन किसके ऊपर, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो फोकस करती थी ट्रांजेक्शन पे, जबकि आज की जो मार्केटिंग है उसका मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है, तो आंसर आएगा 203 का ए। आगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो और इसके बेस पर बताओ कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है सही है। पहला असेंबलिंग एंड मैनेजिंग, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है असेंबलिंग एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग मिक्स इज द क्रक्स है ऑफ मार्केटिंग टास्क, बिल्कुल सही बात है। असेंबलिंग द मार्केटिंग मिक्स इज ए कंटिन्यू टास्क भी है, हाँ जी। पब्लिक रिलेशन की इंग्रेडिएंट मार्केटिंग मिक्स का, जी बिल्कुल सही बात है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना वो मार्केटिंग मिक्स का इंग्रेडिएंट भी है, जी ये भी है। तो आंसर आएगा क्या डी, ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी बातें जो है वो क्या है सही है। डैश इज द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फैक्टर द रेफर टू नोइंग द टारगेट मार्केट, सबसे पहले टारगेट मार्केट को जानना, फिर स्पेसिफाई करना बेनिफिट ऑफ द डिलीवर टू द कस्टमर टारगेट कस्टमर, और फिर हैविंग ए बेसिक आइडिया ऑफ हाउ द प्रोडक्ट विल बी पोजिशन एंड फाइनलाइजिंग द फीचर्स और एट्रीब्यूट। ये डेफिनेशन है मार्केटिंग का, ये किसकी डेफिनेशन है, ये है शार्प प्रोडक्ट डेफिनेशन सी। तो ये ध्यान रखना शार्प प्रोडक्ट डेफिनेशन के अंदर ये स्टेप आएगा, सबसे पहले टारगेट मार्केट को क्या जानना, फिर स्पेसिफाई करना बेनिफिट टू बी डिलीवर, जो बेनिफिट डिलीवर करना है टारगेट कस्टमर को, फिर बेसिक आइडिया लेना और हाउ द प्रोडक्ट विल बी पोजिशन, मतलब जो मार्केट के अंदर सामान की पोजीशन कैसे मेंटेन करनी है अपने को, एंड फाइनलाइज करना फीचर और एट्रीब्यूट। तो 205 का जो है वो आंसर आएगा क्या सी। आगे When the ideal selling price is first determined, जब एक ideal selling price को हम पहले determine करते हैं, and the feasibility of the meeting that price is assessed and cost are controlled in order to produce product that can be sold at the target price, this is called, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम target costing। तो target costing के अंदर सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपने को हम मतलब पहले देखते हैं कि selling price क्या रहेगा, उसके बेस पर हम अपने cost को जो है वो क्या करते हैं अप डाउन करने का काम करते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन टिपिकली एंटेल मार्केट टू अ स्मॉल मार्केट हुज नीड आर नॉट वेल सर्व, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो वो है जी पार्ट आपके निश मार्केटिंग का। तो निश मार्केटिंग जो है सेगमेंट के अंदर एक ऐसा सेगमेंट जिसकी नीड पूरी तरह से जो है सेटिस्फाई नहीं हुई है। आगे मार्केट सेगमेंट कैन बी बिल्ट अप इन मेनी वे, मार्केट सेगमेंट जो है वो आप अलग अलग तरीके से बिल्डअप कर सकते हो, जैसे प्रेफरेंस सेगमेंट, ठीक है, क्लस्टर्ड प्रेफरेंस अकर, इसमें जो है वो क्या होता है प्रेफरेंस सेगमेंट हो गया, प्रेफरेंस अकर व्हेन द मार्केट रिवेल डिस्टिंक्ट प्रेफरेंस ग्रुप कॉल्ड नेचुरल मार्केट सेगमेंट। तो ये आप यहां पे क्या करते हैं, आप क्लस्टर बनाते हैं उनका,
ठीक है ना। तो क्लस्टर प्रेफरेंस अकर होती है यहां पे, ठीक है, तभी सेगमेंटेशन बनेगा। आगे, एक सेगमेंटेशन अप्रोच वुड डेवलप, सेगमेंटेशन अप्रोच जो है वो डेवलप करती है क्या, एक सेपरेट सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो, आप सेपरेट एडवर्टाइजिंग कैंपेन करोगे ऑन ईच बेनिफिट परचेज बाय द मेंबर ऑफ ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो आप क्या करोगे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है वो डेवलप करने का काम करोगे। दोस्तों को आएगा बी। आगे, मार्केट सेगमेंटेशन प्रोवाइड ए फोकस अप्रोच टू विनिंग द गेम बाय आंसरिंग द इश्यू, कौन कौन से इश्यू, विच ग्रुप ऑफ यूजर वुड बी सर्व, अपने को किस ग्रुप ऑफ यूजर को सर्व करना चाहिए, विद होम वी विल कंपीट, हम किसके साथ में कंपीट करें, ये तो आंसर आएगा डी, बोथ इनके थ्रू। अगर ये क्वेश्चन आपने जान दिया तो आप जो है वो लगभग जो है वो गेम को जीत जाओगे। बेसिकली फोकस अप्रोच है ये आपकी, इसके अंदर हम ये क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन ढूंढने का काम करते हैं। आगे, ए मार्केटिंग मैनेजर टास्क, मार्केटिंग मैनेजर का जो है वो टास्क होता है क्या करना, टू आइडेंटिफाई करना पहले वेरिएबल को जो डिस्क्राइब करते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ देयर ओन पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक, दीज वेरिएबल आर, इन वेरिएबल्स को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्क्रिप्टर्स। यही वो वेरिएबल है जिनको क्या किया जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर डिस्क्राइब करने का काम करता है। आगे, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए पोटेंशियल मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट सब मार्केट, एक प्रोसेस जिसके अंदर डिवाइड करते हैं पोटेंशियल मार्केट को अलग अलग सब मार्केट में विद कॉमन नीड एंड करेक्टरिस्टिक, तो वो क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन एक तरीका है जिसके अंदर हम पूरी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करने का काम करते हैं। आगे, डैश इज ए मार्केट एवरेज स्ट्रेटजी इन विच कंपनी फॉलो करते हैं वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट, तो ये कौन सी होती है, ये होती है जी आपकी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। आगे, इन डैश कंपनी पोजीशन इटसेल्फ एज एन एट्रीब्यूट सच एज द साइज और द नंबर ऑफ ईयर इन एग्जिस्टेंस, तो ये क्या है, एट्रीब्यूट पोजीशनिंग के अंदर कंपनी जो है वो अपने आप को, कंपनी की पोजीशन जो है वो एक एट्रीब्यूट बनती है, सच एज द साइज और द नंबर ऑफ ईयर इन एग्जिस्टेंस, तो ये एट्रीब्यूट पोजीशनिंग, ऑप्शन 214 का बी, फीचर्स के बेस पर, भाई कंपनी इतने सालों से जो है वो काम कर रही है तो उसके बेस पर पोजीशनिंग करना, जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि 25 सालों से आपकी सेवा में ये चीजें। फिर 215, डैश इज द आउट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनी ऑफरिंग एंड इमेज टू ऑक्यूपाई ए डिस्टिंक्टिव प्लान इन द टारगेट कस्टमर, तो ये जो है वो क्या है, ये है पोजीशनिंग होती है, इट इज आउट ऑफ डिजाइनिंग द, जब डिजाइन करते हैं कंपनी ऑफरिंग एंड इमेज, एक इमेज क्रिएट करना कंज्यूमर के माइंड में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। आगे, व्हाट टाइप ऑफ मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल फॉर द बिजनेस मार्केट वुड बी एप्लीकेबल टू बिजनेस कस्टमर डेट बाय प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ द नीड, तो ये जो है वो कौन से होते हैं, तो ये है जी आपका पर्सनल करेक्टरिस्टिक, इनके बेस पर आप जो है वो क्या करते हो, सेगमेंटेशन करते हो। आगे, व्हेन मार्केटिंग मैनेजर सिलेक्ट करता है विच सेगमेंट टू परस्यू, भाई किस सेगमेंट को हम क्या करें, परस्यू करें, तो ये क्या है, तो ये है टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना, आपने पहले पूरी मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया फिर एक को फोकस किया, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आप सिलेक्टिंग द टारगेट मार्केट, भाई किस पे आप फोकस करना है, वो 217 का बी। When company try to create brand awareness, जब कंपनी जो है वो कोशिश करती है क्रिएट करने के लिए ब्रांड अवेयरनेस को अमंग द कस्टमर इवन बिफोर पोजिशनिंग एंड ब्रांड क्लियरली इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, ये सिंपल था, उसको बोलते हैं डाउटफुल पोजिशनिंग, मतलब जब पहले से ही आप पोजिशन क्रिएट तो कर रहे हो लेकिन आपको खुद को मालूम ही नहीं है। आगे, द रिक्वायर्ड ऑफ द सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के लिए जरूरी जो है विच इज डिफरेंट ऑन द 4P एंड द प्रोग्राम इज, वो क्या है, वो है जी आपके डिफरेंशिएबल्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑन विच ए फर्म शुड बेस इट्स सेगमेंटेशन स्ट्रेटजी डिसीजन, किसके बेस पर करती है, वो है हम ये देखते हैं कि जो सेगमेंट हमने बनाया वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ए। आगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश द लोकल एडिटर, ये तो हमने अभी देख भी लिया था, तो 221 का तो ये है, इसको अलग अलग एरिया के हिसाब से आपने जो है अलग एडिटर आपने जो है अपॉइंट किया, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल फीचर, ए। आगे, रिलीजन इज वन ऑफ द, रिलीजन जो है वो क्या है, रिलीजन की अगर बात करें तो इट इज वन ऑफ द कल्चर फैक्टर है, सी। आगे, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग इंटरप्रेट सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस जिसमें हम एक्वायर करते हैं इंटरप्रेट करते हैं सिलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परसेप्शन, ए।
आगे इन द बाइंग डिसीजन प्रोसेस व्हाट इज द टर्म यूज फॉर ए पर्सन हु फर्स्ट सजेस्ट बाइंग द प्रोजेक्ट, सबसे पहले जो है सामान को क्या करता है, सजेस्ट करता है या फिर परचेज करता है, उसको बोलते हैं इनिशिएटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इनमें से कौन सा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को, तो वो है कंज्यूमर की आइडेंटिटी। हाँ जी बिल्कुल करती है, इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर का बिलीफ एंड नीड करता है, एटीट्यूड एंड काइंड ऑफ प्रोडक्ट ये भी करता है, तो आंसर आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। आगे डैश इज ए कल्चर फॉलो बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए कल्चर दैट इज डेफिनेटली आइडेंटिफाइड विद इन द लार्जर सोसाइटी, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब कल्चर। तो सब कल्चर एक कल्चर है जो फॉलो करेगा ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल विद इन ए कल्चर के अंदर, कुछ लोग जो है वो लार्जर सोसाइटी है वो जिसको फॉलो करें वो तो कल्चर हो गया, उसके अंदर कुछ लोग अलग से और चीजें फॉलो करें उसको बोलते हैं सब कल्चर। आगे एनालाइजिंग दी डैश हेल्प करता है आपको कि आप अंडरस्टैंड करें हाउ टू एक्सपेंड द मार्केट एंड अचीव द सेल्स लेवल क्लोजर टू द मार्केट पोटेंशियल, वो क्या है जी, वो है पीपल हु नेवर परचेज अ प्रोडक्ट। जब आप इनको एनालाइज करते हो, जिन्होंने अभी तक आपके सामान को परचेज नहीं किया, जब आप इनको एनालाइज कर दोगे तो फिर इससे आपको मदद मिलेगी क्या करने में, एक्सपेंशन करने में, क्योंकि इससे आपके मार्केट एक्सटेंड हो जाएगी अगर आप इनको वो सामान डिलीवर कर दोगे जो ये चाहते हैं। देयर इज ए क्लोज लिंक है, एक क्लोज लिंक होता है बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन द हैबिट एंड द ब्रांड लॉयलिटी, तो 228 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। आगे डैश इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब द एक्शन ए पर्सन टेक इन परचेजिंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो वो क्या है कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एक्शंस ए पर्सन, जो एक पर्सन उठाता है क्या करने में, परचेज करने में एंड यूज करने में सामान को या सर्विस को। तो जब एक कस्टमर जो है कि सामान को परचेज करता है तो उस टाइम पे वो कौन से जिस बिहेवियर को अडॉप्ट करता है तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसको कंज्यूमर बिहेवियर को बोलते हैं ए। आगे बाय स्टडिंग अबाउट, जब हम जो है वो क्या करते हैं, बाय स्टडिंग अबाउट डैश ए कंपनी कैन पिन पॉइंट विच ब्रांड आर मोस्ट कॉम्पिटिटिव विद इट्स एयर, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट लॉयल, जब हम इसको क्या स्प्लिट करते हैं तो उससे अपने को पता चलता है कि कौन सा ब्रांड जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है अपने सब्स्टिट्यूट के साथ में। आगे इन केस ऑफ डैश इंडिविजुअल ट्राई टू रिसेंट द वैल्यू, रिसेंट इंडिविजुअल ट्राई करता है टू रिसेंट द वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ सच ए ग्रुप, तो ये होता है अवॉइडेंस ग्रुप बी, 231 का आएगा बी। आगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डिसेटिस्फेक्शन इज डिटरमाइंड इन पास्ट परचेज स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस डी, क्योंकि सेटिस्फाई या डिसेटिस्फाई हो तो पोस्ट, पास्ट नहीं आएगा यार, पोस्ट आएगा, मतलब कंज्यूमर सेटिस्फाई या डिसेटिस्फाई हो वो किसका पता चलेगा, पोस्ट परचेज, परचेस करने के बाद देखेंगे कि सामान से वो सेटिस्फाई या डिसेटिस्फाई। आगे कस्टमर डैश बी एबल, अभी बताना है आपको, तो कस्टमर विल नोट, आंसर इसका ए, मैं पूरी लाइन पढ़ाता हूं पहले आपको, कस्टमर विल नोट बी एबल टू टेल यू अब व्हाट प्रोडक्ट दे वांट एंड नीड, कस्टमर हमेशा जो है वो एबल नहीं होता कि वो आपको हर चीज बताए कि वो किस सामान को चाहता है, लेकिन वो ये एबल होता है कि आपको बता पाएगा व्हाट प्रॉब्लम, कि अगर वो किसी सामान को यूज कर रहे हैं तो उसको सामान को यूज करने में उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जब उसको जब आपको ये पता चल गया कि सामान को जो कस्टमर अभी करंटली यूज कर रहा है उसमें ये दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का सोल्यूशन आप ढूंढ लोगे तो वो आपके सामान को परचेस करने शुरू कर देगा, तो 233 का आंसर जो है वो आएगा ए। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ कस्टमर बिहेवियर इन द रेलिवेंट प्रोडक्ट कैटेगरी और मार्केट, तो वो क्या है, वो है जी आपका कस्टमर एनालिसिस, जब आप कस्टमर का एनालिसिस कर लेंगे तो आपको पता चलेगा, एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी कस्टमर के बिहेवियर की। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप, इनमें से कौन सा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप एनी काइंड ऑफ परचेसिंग बिहेवियर और रीजन व्हाई पीपल परचेज व्हाट दे डू, कि लोग क्यों परचेस करते हैं और वो क्या करते हैं, तो इस चीज को अगर आप देखते हो वो है नीड रिकॉग्निशन, मतलब क्यों चाहिए सामान। आगे फॉर फ्रीक्वेंट परचेज प्रोडक्ट, फ्रीक्वेंट परचेज प्रोडक्ट के लिए डैश डैश इज क्रिटिकल टू द सक्सेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यू अनटैप्ड बायर, तो वो क्या है जी, वो है रिपीट बायर, ये सबसे जरूरी होते हैं, तो रिपीट बाइंग है वो सबसे जरूरी है, अगर मान लो नए बायर नहीं है तो जो पुराने हैं वो कम से कम रिपीट करते रहें तो फिर हम जो है हमारा जो सक्सेस है वो बनी रहेगी।
वट इज वन ऑफ द थ्योरी इन रिगार्ड टू बाइंग बिहेवियर, वट इज वन ऑफ द थ्योरी, आपको बताना वट इज वन ऑफ द थ्योरी इन रिगार्ड टू द बाइंग बिहेवियर, तो बाइंग बिहेवियर के रिस्पेक्ट में जो है वो आपको बताना है कि कौन कौन सी थ्योरी है। तो सबसे पहला जो है वो आपका इनहेरेंट एंड द लर्न बाइंग मोटिव, ये पता होना चाहिए। फिर इमोशनल बाइंग पता होना चाहिए, रैशनल बाइंग होता है, कन्फेशनल बाइंग इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो आएगा 1, 2 and 3, 1, 2, 3 बोले तो सी ऑप्शन। आगे इकोनॉमिक थ्योरी सजेस्ट करती है कि रैशनल कस्टमर विल कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन ओनली टू द पॉइंट एट विच, कहां पे वो जो है वो रैशनल कस्टमर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा ओनली, किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे करेगा, जहां पे मार्जिनल बेनिफिट जो है ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल वैल्यू टू मेकिंग ए चॉइस इक्वल है किसके, मार्जिनल कॉस्ट, जहां पे MR जो है किसके MC के इक्वल है, ए। आगे असर्शन इज़ ये क्वेश्चन है, पहले बोलता है कस्टमर बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, कस्टमर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा जो है वो ये बोलता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कस्टमर ओरिएंटेशन प्लेस द कस्टमर एट द बिगनिंग, कस्टमर ओरिएंटेशन जो है वो कस्टमर को बिगनिंग में लेके आता है एज वेल एज एंड में भी लेके आता है बिजनेस साइकिल में, ये भी बिल्कुल सही बात है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तभी तो ये फोकल पॉइंट बना, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कस्टमर स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंड पॉइंट भी है, तो ये फोकल पॉइंट हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे असर्शन रीजनिंग आया, बोलता है जी क्या बोलता है, मार्केटिंग मिक्स इज अ मिक्स ऑफ द मार्केट फॉर द ऑप्टिमम सेल, मार्केटिंग मिक्स है मिक्स ऑफ मार्केट फॉर ऑप्टिमम सेल, नहीं सर, मार्केटिंग मिक्स के अंदर तो आपका बेसिकली जो है वो आएगा क्या 4P जनरली इसको हम लेके आते, तो ये तो गलत है। दूसरा मार्केटिंग मिक्स कैन नोट 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स, जी ये इसका पार्ट है, तो 40, 102 ये सही है मतलब रीजनिंग। तो आंसर क्या आएगा कि असर्शन फॉल्स है बट रीजनिंग इज ट्रू, डी। आगे मार्केटिंग मिक्स रेफर टू ऑल और द पर्टिकुलर कमर्शियल एक्टिविटी ए फर्म यूजेस इन द मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, मार्केटिंग मिक्स में ये सब आएगा, हाँ जी आता है। फिर बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसमें आएगा प्रोडक्ट भी आएगा, इसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, प्राइसिंग भी आएगा, प्रमोशन भी आएगा। ए फर्म मस्ट डिसाइड व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एलिमेंट विल बेस्ट अकॉम्प्लिश इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ये भी आएगा, जी आएगा। तो आंसर क्या है, दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें ही तो इंक्लूड होती है किसमें, मार्केटिंग मिक्स में। तो आंसर आएगा ए। आगे असर्शन दिया हुआ है, ए प्रोडक्ट में भी बोथ ए कंज्यूमर गुड्स एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स एट द सेम टाइम, एक जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है एक ही वक्त पे, हो सकता है क्या, जी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है ए प्रोडक्ट दैट इज ए कन्वीनियंस गुड्स टू वन पर्सन मे बी शॉपिंग गुड्स और स्पेशली गुड्स टू अनदर, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों बातें सही है बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो आंसर आएगा बी, बोथ ए एंड आर जो है वो क्या है, ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। आगे स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग मीन्स द सेम थिंग, क्या स्टैंडर्डाइजिंग और ग्रेडिंग दोनों एक चीज होती है, नहीं सर, स्टैंडर्डाइजिंग जो है वो क्या है अलग है, जबकि ग्रेडिंग जो है वो क्या होती है अलग है, तो ये तो आपका गलत हो गया। फिर रीजनिंग के अंदर जो है वो क्या बोलता है, देखो रीजनिंग बोलता है स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग आर बेसिक मार्केटिंग फंक्शन, हाँ ये तो सही है कि बेसिक मार्केटिंग फंक्शन होते हैं लेकिन अलग अलग हैं, बट वाइल असाइन ग्रेड, जब आप ग्रेड देते हो तो अटेस्ट करते हैं द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सच एज एग मिल्क वीट एक्सेट्रा, जबकि स्टैंडर्डाइजिंग जो है वो होता है किससे, वो होता है कि आप मेंटेन करेंगे यूनिफॉर्म साइज एंड द क्वालिटी स्टैंडर्ड को, तो ये दोनों जो है वो क्या है अलग अलग है और दोनों को बता रखे कि स्टैंडर्डाइजिंग में क्या करता है ग्रेडिंग में क्या, तो रीजनिंग जो है वो क्या है सही है, तो आंसर जो है वो क्या है ए फॉल्स है जबकि आर जो है क्या है ट्रू है, तो 243 का हो गया डी ऑप्शन। आगे बोलता है जनरेशन प्ले करते हैं मेजर रोल इन सेगमेंटिंग मार्केट, जनरेशन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, जब मार्केट सेगमेंट जनरेशन की बेस पे भी करते हैं, जैसे ओल्ड एज हो गया, यंग्स हो गए, किड्स हो गए, सही है। एवरी जनरेशन इज डीपली इन्फ्लुएंस बाय वेरियस एक्टिविटी ऑफ इट्स टाइम, हर जनरेशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती है अलग अलग एक्टिविटी से, लाइक मूवी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, म्यूजिक, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि इसी वजह से जनरेशन जो है जनरेशन के बेस पर आप लोग क्या करते हो सेगमेंटिंग करते हो, तो आंसर जो है वो आएगा ए। आगे कंज्यूमर परचेज, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कंज्यूमर परचेज आर इन्फ्लुएंस बाय द इंटरनल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल सोशल एंड द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर की परचेज इन्फ्लुएंस होती है इनसे, नहीं सर। फिर बोलता है द रोल एंड द स्टेटस, ध्यान से सुनो क्या बोलता है, द रोल एंड द स्टेटस ऑफ द पर्सन डज नॉट इन्फ्लुएंस बाइंग बिहेवियर, ऐसा होता है क्या, नहीं सर, इनका इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो दोनों की दोनों बातें जो है फॉल्स है, ऑप्शन आएगा बी। आगे मैचिंग करना आपको,
सबसे पहले है जी आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो क्या आएगा, इट होल्ड एट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन द सेलर और बायर के अंदर। मार्केटिंग के अंदर जो सेंट्रल आइडिया जो होता है मार्केटिंग का, वो एक्सचेंज है, जिसके अंदर जो है वो क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज इसका टू। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है वो क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कैन बी मैनेज बाय मैनेजिंग द प्रोडक्शन, इसका आएगा थ्री। फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या आएगा, इट ट्राई टू अचीव मार्केटिंग सक्सेस थ्रू प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट में फीचर डाल के ये। और सेल्स कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो क्या आएगा, कंपनी हैज अग्रेसिवली प्रमोट एंड पुश इट्स प्रोडक्ट, तो ये सेल्स, जिसके अंदर कंपनी एडवर्टाइजिंग और ये सब करती है, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी करती है अपने सामान को बेचने के लिए। तो 246 का जो है वो बनेगा जी आपका बी ऑप्शन। आगे अगला आया जी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और फीचर जो है वो बता रखे। तो सबसे पहला एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, तो एक मिनट, ये तो सेम है यार, बी ऑप्शन वही रिपीट हो गया। आगे 248 जो वो क्या बोलता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या, मार्केटिंग जो परफॉर्मेंस होता है बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, तो इसका ए का तो हो गया जी आपका फोर। फिर नीड जो है वो क्या है, नीड फेल्ट डेप्रिवेशन ऑफ सम बेसिक सेटिस्फेक्शन इन ए पर्सन, ये नीड होती है। फिर मार्केटिंग रिसर्च जो है वो क्या है, अगर हम बात करें मार्केटिंग रिसर्च की, तो मार्केटिंग रिसर्च ये सिस्टमैटिक, जब हम सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, गैदर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केटिंग आइडियाज को, मार्केटिंग डेटा को ये। और मार्केटिंग मिक्स जो है वो क्या, इट इज ओवर और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ऑफ द एक्टिविटी ऑफ फर्म यूजिंग द मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, ये इसका पार्ट है। तो आंसर जो आएगा 248 का वो आएगा क्या, डी। आगे 249, चलो जी 249 जो है वो क्या बोलता है, सबसे पहले रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब जब रीबिल्ड करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, एक स्टेबल या डिक्लाइन प्रोडक्ट का जब कस्टमर के माइंड में दोबारा से इंटरेस्ट जनरेट करना, उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग, ठीक है जी। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब मार्केटर फोकस करता है कस्टमर नीड और वांट के ऊपर, इसको बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ट्रांसपोर्टिंग जो है वो क्या, इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द प्लेस यूटिलिटी, वो ट्रांसपोर्टिंग। और स्टोरिंग जो है वो क्या, ये क्रिएट करता है टाइम यूटिलिटी बिकॉज मार्केटर आफ्टर मेंटेन एक्सेसिव इन्वेंटरी, तो स्टोरिंग इसका पार्ट है। तो आंसर जो आएगा 249 का वो क्या आएगा जी आपका सी। 249 के बाद आएगा 250, ये काट दो, फिर आएगा 251। आओ जी सप्लाई चेन, सप्लाई चेन की बात हो रही है। सप्लाई चेन जो है वो क्या है, लार्जर इन स्कोप ट्रेनिंग, लार्जर इन स्कोप ट्रेनिंग देन बोथ फिजिकल एंड द मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन के अंदर ये आता है। फिर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, प्रोडक्ट तो ये क्या है, इसमें पुटिंग द मैनेजमेंट प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर, ठीक है जी। मार्केटिंग जो है वो क्या, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम पोजीशनिंग करते हैं, गैदरिंग, फिल्टरिंग एंड एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। और डीलर जो है वो कौन, ये इंप्रूव करते हैं एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस को ऑफ एनालिसिस डीलर थ्रू शार्पनिंग ऑफ देयर सेल्स स्किल एंड प्रोडक्ट नॉलेज, तो ये इसका पार्ट है। तो 251 का जो है वो आएगा बी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या, मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो क्या, जिसे हम डिसएग्रीमेंट करते हैं मार्केट इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ सब मार्केट, उसका बोलते हैं सेगमेंटेशन। स्कीमिंग क्या है, जब हम प्राइस, जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्राइसिंग करते हैं हाई, एक नए सामान का इनिशियल में हाई प्राइस चार्ज करते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर बात करें तो ये क्या, ये मॉडिफाइड वर्जन है डायरेक्ट मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और सेल्स मैनेजमेंट का मतलब जिसमें हम ट्रांसलेट करते हैं मार्केटिंग प्लान इनटू द मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ये। तो आंसर जो आएगा 252 का, डेट इज द ए, 2143। लो जी ये हो गए हैं आपके 252 क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट कीजिए। पूरा एंटायर मार्केटिंग को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है, तो एग्जाम में जाने से पहले दो बार इसको जरूर लगा के जाइएगा। ओके जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।